हाँ ओके, बहुत सारे लोग चैट में भी डाल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग ओरियंस टू एवरीबॉडी। क्या मोस्टली आप वेरी गुड है कि आपका हेल्थ बहुत अच्छी तरह से देख लो। बहुत जा रहे जगह पे कुछ बारिशें सभी हो रहा है, तो अच्छा है कि आप हॉट वाटर पी लो और थोड़ा बहुत हेल्थी फूड खा लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आज का सेशन जो है वो डिजीज और डिसऑर्डर के ऊपर रहेगा। अपना चक्रवर्ती जी अभी थोड़ा ही देर में अपने साथ आ जाएंगे, मतलब वंस समय अराउंड 10-15 मिनट्स में आ जाएंगे वो। तो उस टाइम तक हम थोड़ा बहुत डिजीज का मतलब क्या है, अगर आप देखते हो तो डिजीज ऐसा बताया जाता है कि डिजीज है कि डिजीज ऐसा होता है कि एक डिसऑर्डर हो कहीं पे, मतलब इट्स नॉट डिजीज, मतलब इट्स ए डिस्टिंक्ट प्रोसेस जो है बॉडी में, स्पेसिफिक कॉज और कैरेक्टरिक सिम्टम्स जो है तो उसे बताया जाता है कि डिजीज। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर जो देखो तो डायबिटीज जो है वो डिजीज नहीं है, वो एक्चुअली डिसऑर्डर है। डिजीज का मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हो को आपको ये भी बताया सकते हैं कि डिजीज का क्या क्या हो सकता है। सिंपली अगर आप देखते हो तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डिजीज है, लंग कैंसर डिजीज है, हार्ट का प्रॉब्लम है हार्ट डिजीज। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका हार्ट ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है उसको हम डिजीज बोलते हैं। एचआईवी जो है डिजीज है, मलेरिया डिजीज है, ऐसे बहुत सारे डिजीजेस हैं ऑलरेडी। और डिसऑर्डर का मतलब क्या है अगर हम देखते हैं तो डिसऑर्डर का मतलब ये है कि सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाना। अगर मैं अगर आपको अभी समझाना चाहता हूं तो अभी सोचो आप, आपको क्या बोलूं मैं, आपका हार्मोन एक जगह पे ठीक तरह से सिक्रीट नहीं हो रहा है तो ये क्या बोल सकते हैं हम, इसको डिसऑर्डर बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेडीज को पीरियड्स टाइम पे नहीं होना, उसको भी इरेगुलरिटी बोल सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली होना है तो नहीं होता है, तो दो दो महीने में एक बार ऐसा होता है, तो रेगुलरली जो होना है वो नहीं होता है, तो इसे इसको हम डिसऑर्डर बोल सकते हैं, या इंटरप्रिटेशन ऑफ दी नॉर्मल फंक्शन। जैसे कि जैसे मैं बता रहा था कि डायबिटीज जो है वो डिसऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल आपका बॉडी में जो इंसुलिन सेक्रेट होना है कितना होना है वो उतना नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी सोचे आपके बॉडी में 20 ml का इंसुलिन सेक्रेट होना है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं मैं, तो 20 ml सेक्रेट होना है लेकिन क्या होता है अपना बॉडी में 20 ml सेक्रेट नहीं हो रहा है। तो बात ऐसा है कि वो 20 ml सेक्रेट नहीं होता है लेकिन 10 ml सेक्रेट होता है। तो अगर 10 ml सेक्रेट हो जाता है तो इसका ये मतलब है कि तो कितना होना था उतना नहीं हो रहा है, तो लेकिन कम हो रहा है। तो जो हार्मोन सेक्रेट होना था वो कितना होना था उतना नहीं हो रहा है, इसका मतलब है इंटरप्रिटेशन ऑफ द नॉर्मल फंक्शन। 20 ml आपको सेक्रेट होना था लेकिन नहीं हो रहा है, तो इसको डिसऑर्डर बोलते हैं। और आजकल के टाइम पे तो बहुत सारे लोगों बहुत सारे बीमारियां तो आ रहा है। अगर हम आज के टाइम पे देखते हैं तो नॉर्मली हर घर में आपके घर में, या ऐसे नहीं होना है फिर भी बहुत सारे लोगों के घर में क्या होता है कि एक ना एक कोई पेशेंट रहता है, उनका डिजीज या डिसऑर्डर रहता है। तो ये डिजीज और डिसऑर्डर ऐसा हो गया कि आजकल लोग सोचते हैं कि अगर हम घर में कोई पेशेंट नहीं है तो ही प्रॉब्लम है। तो अगर आप हमारे घर में भी रोग वाले है तो हम सोच लेते कि ओके नॉर्मल है, सबके घर पे है और हमारे घर पे भी है, ऐसे हम सोचते हैं। करेक्ट करेक्ट ना, ऐसा नो, बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं। तो इसका मतलब ऐसा हो गया है कि आजकल लोग अपना क्या बताऊं अपना जो हेल्थ है वो टेक इट फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। मतलब इसका मतलब ऐसा है कि वो इतना अच्छा तरह से उनको देखभाल करना नहीं चाहते हैं। सिंपली अगर मैं कहता हूं को तो कितना लोग को पता है कि
आपको कब रोग आने वाला है, कितना लोग अभी, जैसे कि मैं पूछता रहता हूँ अपना सेशंस में, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपको कितना लोग अभी सोच के रखा है कि आप कितना साल जिंदा रहोगे, कोई बता सकते हो? कोई बता सकते हो? कोई बता सकते हो? ले लिखो मैं देख। नो, स्ट्रेट आंसर, करेक्ट, स्ट्रेट क्लियर आंसर, कोई लिखा है? नो, क्यों? अभी सोचो आप। हाँ, बहुत सारे लोग नो नो नो, क्यों? आई वॉन्टेड एवरीबडी टू आंसर, आप चैट में डालो नो, क्यों 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 नहीं सोचा, क्यों नहीं सोचा? अभी आप सोचिए, अभी नॉर्मली क्या होता था, अभी नाना का टाइम पे अपना जो ग्रैंडफादर्स ग्रैंडमदर थे उनका एवरेज लाइफ स्पैन जो था वो 80-90 ऐसे था, करेक्ट? ऐसे था, यस yes, बहुत सारे लोगों का ऐसा था। अभी अभी मम्मा पापा, अगर आपका मम्मा पापा अभी भी है तो इट्स गुड, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ऑलरेडी 40+45 ऐसे भी हो सकते हो, 45-50 ऐसे भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब है आपका मम्मी पापा है तो ओके, अगर नहीं है तो उनका एवरेज लाइफ स्पैन कितना था, उनका उनसे उससे भी कम ही होगा, 80-90 से कम ही होगा, मतलब नॉर्मली देर। अभी आज आपका लाइफ स्पैन क्या होगा, मतलब आज, मतलब आज नहीं तो looking for a situation anyone can get, okay, ऐसे, okay. कुछ लोग बोल रहे हैं सर कुछ भी सिचुएशन में कोई भी मतलब बीमारी हो सकता है, ऐसे कभी नहीं हो सकता, it cannot happen like that। श्रीजना ऐसे बोल रहे हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग बोल रहे हैं लाइफस्टाइल की वजह से भी हमें रोग हो सकता है, यस, लेकिन आप सोचो अगर आप बहुत दिन जीना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी किसी का भी, अगर आपका कोई नाना या नानी किसी के फैमिली में, अगर आपका किसी के भी फैमिली में क्या 100 years के ऊपर कोई रहा है, 100 years कभी आप सुना है ऐसे, आपका नानी जो थे वो 100 years जिंदा थे, ऐसे कभी सुना है आपने? सुना है? यस यस यस, बहुत थोड़ा बहुत यस नो ऐसे रह रहे, तो इसका मतलब है आपका जीन जो है वो आज कहां से आया, आपका नानी नानी नाना से ही तो ये जीन आया होगा, मतलब नाना नानी से मम्मी पापा को गया और मम्मी पापा से ही अपना ये बॉडी जो है, अपना डीएनए जो है वहीं से ये बॉडी भी मतलब पूरा आया है आज, लेकिन अपना जो ये लाइफस्टाइल है, बहुत सारे ये लाइफस्टाइल डिजीजेस भी होते हैं, जैसे अगर आप देखते हो तो 30-40 साल के पहले अगर आप देखते हो तो बहुत सारे लोगों को ये बताया जाता था कि ये डायबिटीज जो है वो अमीर लोगों का रोग है, ऐसे बताया था, ऐसे बताया जाता था, करेक्ट? अब सुने हो कभी? अमीर लोगों को ही आता है ये डायबिटीज जो है वो, खाली अमीर लोगों को आता है, ये अमीर का रोग है, जो भूखे प्यासे रहते हैं तो उनको नहीं मिलता है, क्यों? भूखा रहते हैं वो, ग्लूकोज कहां से मिलेगा, नॉर्मली जो खाना है वो कम पड़ रहा है तो ऑटोमेटिकली उनको खाने में कम पड़ रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या है, उनको रोग नहीं होता था, लेकिन अमीर लोगों को क्या होता था, खाने में बहुत सारे चीज होते हैं तो वो लोग थोड़ा बहुत फूड भी वेस्ट कर लेते हैं इधर उधर, लेकिन जो मतलब गरीब थे उनको तो, नाउ माई फादर 95 गुड, विजय वेरी गुड, विजय मलकर मेरे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट में भी है, ओके। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आपके नाना नानी जैसे खाना लेंगे तो आप भी उनके जैसे 100+ years रह सकते हो। तो आजकल जो भी डिसऑर्डर डिजीजेस आ रहा है इसका मतलब है कि वो सब लाइफस्टाइल के वजह से ही, बहुत सारे अभी बहुत सारे लोग बोल रहे सर मेरे वो कभी भी इलनेस हो सकता है, अभी कोरोना आ रहा है बहुत सारे लोग मर रहे हैं, अभी आप सब लोगों को कोरोना आया नहीं है, क्यों है नहीं आया, सोचो क्यों नहीं आया, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो ऐसे भी यहां हुआ था कि एक कंपनी का जीएम को कोरोना के गुजर गए, बहुत बड़ा कंपनी है, वो ब्रांड नहीं बोलना चाहता मैं, इट्स अ वेरी बिग ब्रांड, वेरी बिग ब्रांड, उधर उसका कंपनी का वो जीएम जो था वो गुजर गए, कितना बुरा विषय है।
अगर आप सबको कोरोना नहीं आया है इसका मतलब क्या है आपका, कुछ लोग बोल रहे हैं ड्यू टू वीक इम्यूनिटी, करेक्ट, तो इसका मतलब है आपका इम्यूनिटी अच्छा है, तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा आपका खाने का ढंग जो है वो थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। इससे इसी को हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल। अभी सोचो 10-15 साल के पीछे पहले कितना लोग होटल में, बहुत कम लोग होटल पे खाते थे, करेक्ट, बहुत लोग होटल पे जाके खाते थे, लेकिन आज सोचो कितना लोग होटल में खाते हैं। घर पे भी खाना बनाते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, हफ्ते में एक बार होटल से खा लेते हैं। अरे यार हफ्ते में एक बार कुछ तो लाओ ना होटल से, ऐसे लेडीज बोलते हैं घर पे, करेक्ट, यस सर नो। हाँ देखो बहुत सारे लेडीज हंस रहे हैं, तो इसका मतलब है सच है ये। हाँ तो आजकल वो टीवी में भी ऐड आता है स्विगी का, वो बोलता है आप खाना घर पे पका लो, सब्जी जो है वो आप स्विगी से ऑर्डर कर लो तो घर में दे देंगे। आप क्यों पका रहे हो, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो आप घर पे, ऐसे भी एड्स अभी आते हैं। तो इसका मतलब ऑर्डरिंग फ्रॉम ऑनलाइन या स्विगी, यूबर, जोमैटो, क्या क्या है, वो लोकल एरिया में बहुत सारे रहते हैं वो, उनके स्पेशली जो लोकल एरिया पे रहते हैं वहां का कुछ लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि डायरेक्टली जाके उनको बता के अपना वो नमक कितना डालना है, मिर्ची कितना डालना है, अपने ढंग से वो बनाना है, ऐसे भी बहुत सारे लोग अभी लोग हेल्थ के लिए नहीं खाते, अभी लोग टेस्ट के लिए खाते हैं, टेस्ट के लिए, करेक्ट। हाँ ओके, तो ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है कि आज का जो डिसऑर्डर्स आ रहा है वो सब हमारे वजह से आ रहे हैं। अभी आप सोचो कि लास्ट अभी सब कोरोना चल रहा है, घर सब मोस्टली घर पे हो, करेक्ट, सब घर पे हो मोस्टली, कितना लोग एक्सरसाइज किए, अभी आप मुझे सवालों का जवाब मत दो। आप कुछ लोग कुछ लिख रहे हैं, बिकॉज फीमेल्स डू नॉट गेट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स टू प्रिपेयर फूड, सो इसीलिए हम फूड जो है वो बाहर से ऑर्डर करते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। ओके वेरी गुड, वाई बी थापा ऐसे कोई मैडम है, उन्होंने लिखा है, सो इट्स नॉट बैड, मतलब थोड़ा बहुत इमोशनल हो रहे हैं मैडम, और कुछ नहीं, इट्स ओके, बट सोचिए पहला हम वो मतलब वो चावल जैसे पीसते थे, पता है आपको, मतलब अभी आप जो रोटी तो अभी हाथ में ही तो करते हैं, तो पहले मिक्सी नहीं था, करेक्ट, मसाला आइटम्स कैसे बनाते थे हम, आपको ऐसे पीसना पड़ता था, करेक्ट, हल्दी मिर्ची सभी डाल के मार के उसको ऐसे पीस के वो खाने में डालते थे, फ्रेश रहता था, मतलब उसी टाइम पे हम करके खाने में डालते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, रेडीमेड आता है, रेडीमेड मिर्ची मसाला रेडीमेड पैकेट में आता है, हल्दी पाउडर रेडीमेड आता है, लेकिन वो हल्दी पाउडर में कर्कुमिन नहीं है, क्योंकि वो कर्क्यूमिन लेके किसी न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी को भेज के खाली जो पाउडर है वो हमें देता है, और बाकी का अगर हम देते सब मसाले आइटम्स जो है आज पैकेट में आता है, तो टीवी में ऐड आता है एवरेस्ट चोले मसाला, एवरेस्ट वो मसाला, एवरेस्ट ये मसाला, पाव भाजी मसाला, क्या क्या मसाला आता है, सब लेके हम पैकेट पैकेट घर पे रखते हैं और खाने में डाल देते हैं। तो ऐसे की वजह से जो खाने का ढंग है वो हमें चेंज करना है। तो जो हम हमारा स्पेशली कितना लोग अभी एक लास्ट वन वीक में फ्रूट्स खाए, कितना लोग, मुझे सब मुझे मुझे जवाब मत दो, मैं बोल रहा हूं ये मेरे लिए क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपके लिए पूछ रहा हूं। अगर आप फ्रूट्स खाए हो वेरी गुड, और ऐसे भी किया जाता था कि पहले भी मैंने बताया था एक बार, तो 15-20 साल के पहले ऐसे भी होता था जो तिल तेल है घर में पिला देते थे बच्चे को 10-15 ml पिला देते थे, क्योंकि स्टमक उनका पेट जो है वो साफ होना है, तो उनको क्या होता था बच्चों को पूरा लूज मोशन होता है, पूरा दिन होता था उस टाइम पे, मिनिमम 10-12 बार भी बच्चों लूज मोशन होता था, इसका मतलब है कि उनका पेट साफ करते थे। आप भी सोचो आप कितना लोग बच्चों का पेट साफ करवा देते हो, अरे छोड़ो आपका पेट कितना साफ है, नहीं बोल रहे हैं ब्रह्म सर, तो सच है, इट्स ऑल वो जो लाइफ स्टाइल से हमने सोचा ओह उसको नहीं यूज कर रहे हैं, नाना नानी क्या खाते थे वो, इतना हेल्थी नहीं था, आज हम जो खाते हैं पिज्जा बर्गर नूडल्स पास्ता
ये सभी वेरी हेल्दी है और स्टाइल मिलता है उसको खाने में। क्यों? क्योंकि टीवी में डालता है, टीवी में क्या आता है, महेंद्र सिंह धोनी आके बोलता है ईपी नूडल्स खा लो, ईपी नूडल्स अच्छा है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को 10 करोड़ देते हैं वो बात करने के लिए। आपको क्या मिलता है सोचो, आपको खाने से आपको जाके हॉस्पिटल में 3 लाख खर्च करना पड़ेगा, ऐसा होता है। और जो टीवी में आके आया तो बोलता है ये मेरा बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ऐसे बोलता है। पूरा शुगर है, पूरा शुगर है, शुगर टीवी में बहुत सारे एड्स आते हैं। लेकिन आज का अगर आप सेशंस मतलब दो खाने का ढंग, आपके अलमारी देखिए मैं बता सकता हूं आपका खाने का ढंग क्या है। मैं अलमारी खाली आपके अलमारी में क्या क्या है और क्या क्या फ्रूट्स आप लेते हो, एक हफ्ते में पूरा शॉपिंग क्या क्या करते हो वो देखिए मैं बता सकता हूँ आपका हेल्थ कैसा होगा। और ऊपर से वेरी इंपॉर्टेंट है कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप एक एक दो बार, अरे हफ्ते में एक बार खा लो कुछ, ओके, पर जो बाकी का 6 दिन है वो ढंग से खाओ आप वो। बट समटाइम्स ऐसे बोल रहे सर एक दो बार खा लेते हैं सर, इसमें क्या है। लेकिन वो अभी सोचो, मैं आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता के मैं अभी डॉक्टर को बुलाने वाला हूँ। सी पहले क्या होता था, तो हम क्या खाते थे, अगर आपको पता है तो हम पूरा इंडिया में जो चावल है, चावल मतलब वो चावल जैसे बनाते हैं खाने के लिए, चावल जो बाकी हो जाता है वो पानी डाल के दूसरा नेक्स्ट डे में हम क्या करते थे, उसमें थोड़ा बहुत नमक डाल के वो पी लेते थे। पता है ऐसे कुछ कभी सुना है? कभी नहीं ना, कभी नहीं, वेरी गुड, ओके। मैंने भी किया है जब बच्चा था, मैंने भी ये सब सब किया है। और इडली जो है, इडली रोटी सभी कब बनाते थे पता है? दिवाली को जब त्योहार होता है उस दिन में हमारा घर में इडली बनाया जाता था, इडली और रोटी। मतलब मैं जब बोल रहा हूँ 40-50 साल के पहले, 40-50 years बिफोर ऐसे होता था। बाद में क्या हुआ, लोग सोचे अरे इडली अच्छा है, हम एक साल में क्यों, एक बार ही क्यों करते हैं, हम 6 महीने में एक बार करते हैं, तो 2 टाइम किया। बाद में क्या बोला, अरे 3 महीने में एक बार करते हैं, और महीने में एक बार किया, बाद में एक बार किया, बाद में डेली करने शुरू लगा, डेली डेली हो गया। अभी सोचो बहुत सारे लोग स्वीट्स कब खाते थे, 10 साल 15 साल के पहले, कब त्योहार होता था उसी दिन हम खाते थे, करेक्ट? स्वीट्स, यस और नो? आपका नानी नानी घर पे बैठ के पूरा स्वीट्स बनाते थे सबके लिए, फैमिली में जो है पूरा के लिए स्वीट्स बनाते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, सबके घर में एक डब्बा स्वीट रहता है, मिनिमम 1 kg स्वीट। सो सैलरी आने के इमीडिएटली 1 kg स्वीट रख के हम घर पे रखते हैं। अरे सब बस आपको खाना है ना, वो अच्छा, वो भी वो अच्छा वाला, वो घी वाला लेके आओ, जो घी रहता है पूरा घी वाला, वो अच्छा बहुत टेस्टी रहता है, ऐसे वाला फूड लेके आओ। तो ये बहुत सारा फूड स्टाइल्स जो है इसके वजह से ये डिजीजेस और डिसऑर्डर बहुत सारे लोगों को आ रहा है आजकल। और अभी आई लाइक टू इनवाइट आवर डॉक्टर चक्रवर्ती, वो इधर से सेशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। चक्रवर्ती आर यू देयर? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एवरीवन, सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, होप हमारे सब लीडर्स ऑल फाइन, वेलकम एवरीवन। मनोज सर आप मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे, आर यू एबल टू सी मी एंड हियर मी एवरीवन? या आई एम एबल टू सी यू एंड हियर यू। सो टुडे माय नेटवर्क इज गुड, यस्टरडे ऑल्सो इट वाज गुड, समटाइम्स द नेटवर्क विल बी हैविंग थायराइड प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर, थायराइड disorders, it is happening. Yeah, sometimes neurology problem, network is happening. अभी क्या करें? अभी, I mean, I always used to say that actually we are doing Zoom meetings, online trainings. This is a good option, but because we don't have the other option, so we are doing it. And sometimes things are not in our hands because of network issues and all these things. But still, we are going on very well. That we should be proud of. So thank you so much, all my dear leaders. Welcome everyone. Sabko namaskar, salam alaikum, sat sri akal. Aap sabko swagat hai. कल का हमारा सेशन था डिजीज एंड डिसऑर्डर्स, राइट? एंड आज भी उसमें कंटिन्यू है, कल भी उसमें कंटिन्यू होगा, बिकॉज़ ये बहुत एक डिटेल सेशन है। तो दैट्स व्हाई आप सबके लिए प्रिपरेशन के लिए मैंने रात को ही कुछ डाल के रखा टेलीग्राम चैनल में, अभी भी मैंने कुछ डाला है। एनीबॉडी हैज सीन द स्लाइड्स व्हिच आई पुट, एनीबॉडी हैज सीन व्हाट आई हैव पुट इन टेलीग्राम? तो अगर आपने देखा है तो आपको समझने में बहुत आसानी होगा, मुझे समझाने में आसानी होगा। मैंने टेलीग्राम चैनल में रात को डाला था, अभी भी डाला हूँ। इफ समबडी हैज सीन देन यू नो व्हाट आई एम, व्हाट टॉपिक वी आर गोना डिस्कस अबाउट रिगार्डिंग द डिजीज एंड डिसऑर्डर्स, यू कैन फाइंड दैट इन माय टेलीग्राम चैनल। या
in my name. So I just post, as Manoj sir was saying, so I posted the final one about thyroid. Yesterday I had put, in the afternoon, I had put about stomach. Yes, I need your ID. Somebody can pass on my Telegram channel ID. अगर आप में से कोई भी मेरा टेलीग्राम चैनल आईडी पास ओवर कर सकते हैं, बिकॉज़ यस मैकेनिज्म ऑफ थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेशन, या तो मुझे टेलीग्राम में जाके फिर करना होगा, मेरा मोबाइल हैंग हो जाएगा, समटाइम्स हैपेंस. समबडी कैन पास ऑन हियर माय टेलीग्राम आईडी इन द Zoom, सो एवरीबॉडी कैन गेट द स्लाइड्स एंड इंफॉर्मेशन एवरीथिंग. या सो थैंक यू सो मच. व्हाई आई पुट द स्लाइड्स देयर, बिकॉज़ मैं यहां पे दिखाऊंगा तो कुछ टाइम बाद चला जाएगा, मैंने वहां पे रखा है, एंड दैट्स व्हाई मैं वहाँ पे कभी भी कोई भी उसको देख सकता है, कभी भी कोई उसको शेयर कर सकता है, लेके आप किसी को भी भेज सकते हैं. करेक्ट, दैट्स माय चैनल आईडी. सो एनीबॉडी कैन सब्सक्राइब देयर एंड ऑलवेज टेक ऑल द इंफॉर्मेशन व्हिच आई पोस्ट, एनी वीडियोस आई पोस्ट. सो थैंक यू सो मच. डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स के बारे में आगे बढ़ते हैं. कल मुझे, मेरे ख्याल से कल भी बहुत सारे लोग थे यस्टरडे अबाउट द डिजीज एंड डिसऑर्डर क्लास में. यस्टरडे मैंने आपको डिजीज एंड डिसऑर्डर का बेसिक समझाया था, थोड़ा एडवांस भी समझाया था कि डिजीज एंड डिसऑर्डर्स में क्या डिफरेंस है. सो एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको याद है, घर के अंदर ऑर्डर, घर के थोड़ा बाहर डिसऑर्डर, हाईवे में भाग के एक्सीडेंट हो गया, डिजीज, इफ यू रिमेम्बर दिस थिंग्स. सो आज मैं कुछ पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर बोलूंगा. वन इज अबाउट द स्टमक, आई विल टेल, जो आपने इमेज में देखा है. वन इज अबाउट द सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, डिजीज एंड डिसऑर्डर्स का डिफरेंस क्या, दैट इज ऑल्सो आई पुट इन द माय टेलीग्राम चैनल. एंड आई पुट नाउ अबाउट द थायराइड. हमारे पास टाइम रहेगा आज तो थायराइड के ऊपर बोलेंगे, नहीं रहे तो मैं कल बोलूंगा थायराइड के ऊपर, और भी कुछ टॉपिक्स के ऊपर बोलूंगा. सो Now, what we need to understand is that कल हमने सीखा एक disease और disorder में क्या फर्क है. So I think कल भी आप में से बहुत लोग थे, शायद आज बहुत ऐसे new लोग हैं जो कल नहीं थे. I think मैं camera में देख पा रहा हूँ, क्योंकि I understand आप लोग काम पे जाते बाहर, हम भी चाहते हैं कि आप अच्छे से काम करो, and meeting भी लो और काम भी करो. Meeting लो when you have today no work, you should be in the meeting. When today you have a very important work, you go for your work. हमेशा ये बोलते हैं. Even हमारे marketing sir लोग भी ये बोलते हैं, मैं भी तो एकदम directly ये बोलता हूँ. Right, because if you are not going to work, then there is no implementation of the learning. And if you are not going to learn, you cannot implement anything. Right? Isn't that correct? So definitely, मैं इस बात को बहुत विश्वास करता हूँ. So you need to learn to implement it, but you need to also implement. Otherwise, the learning will not have any values. So I hope सबका काम भी अच्छा चल रहा है, ज्ञान भी चल रहा है, काम भी चल रहा है. तो जो लोगों ने कल अटेंड नहीं किया था, जस्ट मैं छोटे उपाय में डिजीज एंड डिसऑर्डर्स को समझाना चाहता हूँ. यू सी डिजीज एंड डिसऑर्डर्स को काफी टाइम लोग एक ही सोचते हैं, वो डिजीज है, डिसऑर्डर है, जस्ट लाइक सिम्टम और सिंड्रोम है, लोग एक ही टाइम काफी टाइम सोचते हैं, बट दैट इज एक्चुअली अ मिस्टेक. डिजीज इज समथिंग व्हेन द डिसऑर्डर्स हैज क्रॉस्ड इट्स लिमिट, तब उसको डिजीज बोलते हैं. एंड डिसऑर्डर मीन्स व्हेन द ऑर्डर इज ब्रोक, तब उसको डिसऑर्डर बोलते हैं. फिर से मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कल बहुत लोग नहीं थे, मैं उनके लिए फिर से दे रहा हूँ, जो लोग थे वो फिर से इसको एक बार रिवाइज कर ले. हाउ वी कैन टर्म द वर्ड डिसऑर्डर, हाउ वी कैन टर्म द वर्ड डिजीज. सो सबसे पहले डिसऑर्डर समझने से पहले आपको ऑर्डर समझना है. ऑर्डर मतलब प्रॉपर वे, एवरीथिंग हैज अ प्रॉपर वे एंड एवरीथिंग हैज अ इम्प्रॉपर वे, राइट? एंड देन व्हेन द इम्प्रॉपर वे हैज बिकम टू बैड, देन वी कैन से इट हैज लॉस्ट इट्स वे, राइट? तो ऐसा सोचिए, पहला है वे, प्रॉपर वे, उसके बाद इम्प्रॉपर वे, उसके बाद है लॉस्ट द वे, मतलब पूरी तरह ही खराब हो गया या खत्म हो गया. तो पहले ऑर्डर को समझते हैं. फिर से कल का एग्जांपल को मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज शायद बहुत लोग कल नहीं थे, दैट्स व्हाई आई एम स्टिल गोइंग टू रिपीट दैट एग्जांपल. यू सी, आपके घर में एक बच्चा है, चाहे आपका खुद का हो, जान पहचान का हो, आपका कोई भी रिलेटिव का हो, आपके घर में छोटा सा बच्चा है, 5, 7, 8 साल का. तो आपका घर काफी बड़ा है और आपके घर में बगीचा है, बगीचा मीन्स गार्डन, एंड बच्चा का एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बाहर बच्चा नहीं जा सकता खेलने के लिए, आपने मना करके रहा है, इस बाउंड्री के बाहर तुम मत जाना. तो अब वो बच्चा आपके गार्डन में खेलता है, धूल मिट्टी भी है, घास भी है, बट वो आपके खेलता है तो आपके गार्डन में खेलता है, उसका एक बाउंड्री के बाहर वो नहीं खेलता है. सो जब तक वो बाउंड्री के अंदर है, जब तक वो बाउंड्री के अंदर है, जब तक वो बाउंड्री के अंदर खेल रहा है, कूद रहा है, वट एवर ही डज, तब तक हम उसको ऑर्डर बोलेंगे. जब तक वो घर के चार, वो जो बाउंड्री बोलते हैं ना, लक्ष्मण रेखा, आपने सुना है ना, रामायण में बोलते हैं लक्ष्मण रेखा. सो जब तक वो इस रेखा के अंदर है कि वो जो भी करे, बट इट इज इन द ऑर्डर. व्हाई इट इज इन द ऑर्डर? बिकॉज ये ऑर्डर आपने सेट करके रखा है कि ये मेरा बच्चा इस जगह के बाहर नहीं जा सकता है, नहीं जाना चाहिए, नहीं जा सकता, नहीं जाना चाहिए. तो जब तक वो इस बाउंड्री के अंदर ही है, तब तक हम बोलेंगे वो ऑर्डर में है, ही इज इन द ऑर्डर. अब ऐसा हो गया, वो बच्चा थोड़ा बदमाशी करके
गेट को खोल के, वो बच्चा गेट को खोल के या जो है ना दीवार को है उसको टपका के आपके घर के बाहर चला गया, घर के बाउंड्री के बाहर चला गया। घर के बाउंड्री के बाहर जाने के बाद थोड़ा आगे, थोड़ा सा लेट से और 200 मीटर आगे हाईवे है, हाईवे जहाँ पे ट्रक जाता है, लॉरी जाता है, गाड़ी हाई स्पीड में जाता है, किसी को ठोक सकता है, जाके मार सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन अभी तो वो हाईवे में नहीं गया है, वो आपके घर के बाउंड्री के बाहर टपका के गया है, जहाँ पे मतलब हाईवे और आपके घर के बीच का एक जगह, वो फिर भी प्री डेंजर जोन है क्योंकि उसके आगे क्या है, हाईवे है। लेकिन अभी तक वो हाईवे में नहीं गया है जहाँ पे गाड़ी एक्सीडेंट करेगा, तो हम बोल सकते हैं जब तक वो घर के बाउंड्री में था उसको हम बोलेंगे ऑर्डर। जैसे ही वो घर के बाउंड्री के उस पार चला गया, दैट मींस वो अभी ऑर्डर से आउट हो गया, उसको हम बोलेंगे डिसऑर्डर, लेकिन अभी तक डिजीज नहीं। अब जब वो बाउंड्री टपका के हाईवे से आगे, हाईवे के जस्ट नीचे वो खेल रहा है, कूद रहा है, तब तक भी डिसऑर्डर है, लेकिन जिस टाइम वो हाईवे पे चला गया, ही इज इन द हाईवे नाउ, अब वहाँ पे लॉरी भी है, गाड़ी भी है, ट्रक भी है, उसको ठोक के चला जाएगा, उसको एक्सीडेंट हो सकता है। जब वो हाईवे पे चला गया और जाके उसको गाड़ी में यू नो एक्सीडेंट कर दिया, तब उसको हम बोलते हैं डिजीज। आर यू विथ मी, आर यू गेटिंग मी? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब तक वो घर के आपके बाउंड्री में है, सेट किया हुआ पैटर्न में है, सेट किया रूल में है, तब तक उसको हम बोलेंगे ऑर्डर। जैसे उसने रूल को सेट करके बाहर गया बाउंड्री से, लेकिन हाईवे में नहीं गया, बाउंड्री से बाहर गया, तब उसको हम बोलेंगे डिसऑर्डर। लेकिन जब वो भी क्रॉस करके रोड हाईवे में चला गया जहाँ पे गाड़ी उसको ठोक दिया होगा या ठोक सकता है, तब हम बोलेंगे डिजीज। अगर ये एग्जाम्पल आप समझ पाए तो आप कोई भी ऑर्गन्स का किस लेवल ऑफ डैमेज या किस लेवल ऑफ डिसफंक्शन है वो समझ पाके आप डिजीज या डिसऑर्डर को समझ सकते हैं। कल मैंने इस तरीके से एग्जाम्पल दिया था, इससे थोड़ा थोड़ा रिपीट करो, कल हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं आ पाए होंगे। मैंने आपको तीन वर्ड बोला था, राइट मोशन, टाइट मोशन, कॉन्स्टिपेशन। राइट मोशन इज ऑर्डर, टाइट मोशन इज डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन इज डिजीज। अगर आपको याद है मैंने ये चीज एग्जाम्पल दिया था, इनसोमिया का एग्जाम्पल दिया था, स्लीप इज ऑर्डर, लैक ऑफ स्लीप डिसऑर्डर, इनएबिलिटी टू स्लीप इज डिजीज इनसोमिया। इसलिए इनसोमिया मतलब नींद आ ही नहीं सकता है, दैट्स इनसोमिया। नींद आने का आ ही नहीं सकते मतलब नींद आने का कैपेसिटी पूरी तरह खो गया, लेकिन उससे पहले डिसऑर्डर होता है, नींद आने में गड़बड़, दैट इज कॉल्ड डिसऑर्डर। उससे पहले क्या होता है, ऑर्डर, नींद ठीक ठाक आ रहा है। कोई भी डिजीज का ऐसा पैटर्न होता है, जस्ट वाई मैंने टेलीग्राम इमेज में डाला, स्टमक एसिडिटी, आपने देखा आग निकल रहा है स्टमक से, मैंने वो कैसे इमेज डाला था, उसके नीचे मैंने अल्सर के इमेज डाला था। सो अब इस डिसऑर्डर को अगर समझना है तो फर्स्ट लेट्स गो फॉर स्टमक। मैं स्टमक अल्सर और स्टमक एसिडिटी का मैं बोलता हूँ। यू सी, स्टमक इज वन ऑफ द मेजर ऑर्गन ऑफ डाइजेशन एंड इंटेस्टाइन इज वन ऑफ द मेजर ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन। आपको पता है डाइजेशन के, एब्जॉर्प्शन के, बहुत बार क्लास में समझा, डाइजेशन मतलब पाचन, एब्जॉर्प्शन मतलब शोषण। आपने कुछ खाया, स्टमक का काम है उस क्या बोलते हैं, बड़ा सा खाने को, या आप बोल सकते हैं उस सॉलिड का खाने को, या वो कॉम्प्लिकेटेड खाने को तोड़ तोड़ के स्टमक छोटा छोटा पार्टिकल्स बना देते हैं, वो है स्टमक का काम, पाचन। वो नीचे जाता है इंटेस्टाइन पे, इंटेस्टाइन उसको पकड़ के रखता है ताकि वो बॉडी से निकल ना जाए, भाई स्टूल पकड़ के रखता है। क्यों पकड़ के रखता है? ताकि बॉडी के मसल्स, ब्लड, आपका टिश्यूज, आपके सेल्स उसको यूज कर पाए, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, शोषण। पहले वो आपने खाना खाया, उसके बाद स्टमक ने पाचन किया, पाचन करने के बाद छोटे छोटे टुकड़े को इंटेस्टाइन में भेजा, इंटेस्टाइन छोटे छोटे टुकड़ों को पकड़ के रखा ताकि खून अभी ब्लड उसको ले जाके बॉडी के अलग अलग जगह उसको पहुंचा पाए जहां जहां जरूरत है। दैट मीन्स ईटिंग, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, तीन प्रोसेस। अब ऐसा हुआ, आपने खाना खाया खाने के बाद वो स्टमक में पहुंचा, खाने के बाद अगर आपका डाइजेशन ठीक ठाक हो रहा है, आपको हजम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, आपने कोई गड़बड़ खाना खाया तो गड़बड़ होगा अलग बात है, लेकिन आपने कुछ खास गड़बड़ खाना नहीं खाया, खाना ठीक ठाक खाया लेकिन हजम में गड़बड़ हो रहा है, हमेशा क्या हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, गैस हो रहा है, ढकार आ रहा है, पेट में जल रहा है, ये जब यहाँ तक है चीजें तो हम बोल सकते हैं डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर क्यों है? डिसऑर्डर इसलिए है क्योंकि स्टमक जो ऑर्गेन है, स्टमक उसका जो कार्यक्रम करने का पावर है, द पावर ऑफ हिज फंक्शंस इज एक्चुअली डिसऑर्डर्ड। अब बोलेंगे व्हाई द पावर ऑफ हिज फंक्शन इज डिसऑर्डर, बिकॉज द ऑर्गेन स्टमक इज डिसऑर्डर। स्टमक बोल के जो ऑर्गेन है उसका जो पावर है, उसका जो एनाटॉमी है, वो एनाटॉमी मतलब उसका सेल्स, उसके टिश्यूज, उसका वर्किंग डिस्टर्ब है। वर्किंग डिस्टर्ब होगा तो डाइजेशन भी उसका डिस्टर्ब ही होगा। एज सिंपल, आपका हाथ अगर कमजोर है, हाथ में कुछ गड़बड़ हो गया तो आप सूटकेस नहीं उठा पाओगे,
आप ठीक से हैंडशेक भी नहीं कर पाओगे, आप कोई भी सामान नहीं उठा पाओगे। हाँ ठीक है, तो सामान भी ठीक से उठा पाओगे। जस्ट लाइक स्टमक ठीक है तो उसका ऑटोमेटिकली ही डाइजेशन वाला जो फंक्शन है वो बहुत बढ़िया से होगा। लेकिन अगर स्टमक में कोई गड़बड़ी शुरू हुआ, याद लीजिए मैंने बोला स्टमक में कोई गड़बड़ी शुरू हुआ, स्टमक इज द ऑर्गन, उसमें कोई गड़बड़ी शुरू हुआ तो ऑटोमेटिक उसके सिम्टम्स दिखाई देंगे। खाना हजम नहीं हो रहा है, पेट में जल रहा है, ढकार आ रहा है, उल्टी उल्टी भी आ सकता है, भूख ठीक से नहीं लग रहा है, ऑल दिस फैक्टर्स विल स्टार्ट। जब तक ये फैक्टर्स तक सीमित है तो हम बोलेंगे उसको डिसऑर्डर। खा रहा है, पेट जल रहा है, अल्सर अभी तक हुआ नहीं लेकिन खा रहा है, पेट जल रहा है। पेट क्यों जल रहा है? क्योंकि स्टमक को जितना एसिड प्रोडक्शन करना चाहिए डाइजेशन के लिए, स्टमक उससे बहुत ज्यादा एसिड बना रहा है। सपोज आपने खाना खाया एक प्लेट, प्लेट से चावल, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, आपने खाना खाया एक प्लेट चावल, एक प्लेट चावल के लिए स्टमक को 10 ml एसिड बनाना चाहिए। ये है उसका ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर। लेकिन अभी क्या हुआ, आपने एक प्लेट चावल खाने के बाद स्टमक ने 30 ml, 10 के जगह 30 ml एसिड प्रोडक्शन किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टमक गैस्ट्रिक एसिड। तो इसका मतलब स्टमक का जो कार्यक्रम है कुछ तो गड़बड़ है उसमें। वो अगर 10 के जगह 5 भी बनाएगा तो भी खाना हजम नहीं होगा, क्योंकि 10 ml चाहिए खाने को, एक प्लेट चावल को हजम करने के लिए। लेकिन अगर 10 के जगह उसने 5 ml बनाया, 5 ml प्रोडक्शन किया, तो क्या होगा, 5 ml प्रोडक्शन से डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर 10 ml की जगह उसने 30 ml या 20 ml एसिड बनाया तो डाइजेशन तो हो रहा है लेकिन आपको जल भी रहा है, क्योंकि खाना आया है 10 ml वाला, एसिड बना है 20 ml वाला। तो इसका मतलब आपको ऑटोमेटिक में होगा, ऐसा दर्द होगा। तो स्टमक ने क्या किया, इसका मतलब क्या, स्टमक का फंक्शनिंग में कुछ तो गड़बड़ है। स्टमक का फंक्शनिंग में क्यों गड़बड़ है, क्योंकि स्टमक गड़बड़ है, मतलब ऑर्गेन ही गड़बड़ है। जो ऑर्गेन को उस चावल के हिसाब से 10 ml बनाना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर ये स्टमक ऑर्गेन एक प्लेट चावल में, एक प्लेट चावल से 10 ml क्यों बनाएगा, उसको कैसे पता है? ये ब्रेन को पता है, और ब्रेन ने ये डिफॉल्ट सिस्टम स्टमक को देखे रखा है जब से हमने पैदा हुआ है। डिफॉल्ट जैसे उम्र बढ़ते गया एक डिफॉल्ट सिस्टम ब्रेन टू द स्टमक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम देखे रखा है कि इतना चावल पे इतना एसिड बनेगा, इतना चिकन पे इतना बनेगा, इतना दाल पे इतना बनेगा, इतना मछली पे इतना बनेगा, बिकॉज इतना प्रोटीन आया। मतलब आप सोचो नहीं, मछली आया इतना प्रोटीन आया तो इतना एसिड बनना चाहिए, इतना कार्बोहाइड्रेट आया तो इतना एसिड बनना चाहिए। ये एक डिफॉल्ट सिस्टम स्टमक के पास है, इम्प्लांटेड बाय द ब्रेन। अब तो ऐसा हो गया कि द स्टमक इज प्रोड्यूसिंग द एसिड, स्टमक एसिड बना रहा है, बट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट स्टमक अगर जरूरत से बहुत ज्यादा एसिड बना रहा है तो आपको जलेगा। स्टमक जरूरत से बहुत कम एसिड बना रहा है तो आपका खाना डाइजेशन नहीं होगा, हजम नहीं होगा। तो दोस्तों हो क्या गया कि स्टमक अगर ज्यादा एसिड बना रहा है मतलब उसमें कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज वेरी रॉन्ग इन दैट स्टमक, कुछ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उस स्टमक में, अगर स्टमक जरूरत से बहुत ज्यादा एसिड बना रहा है तो आपका पेट जलने लगेगा। लेकिन तभी तक हम अल्सर है ये नहीं बोल सकते। स्टमक एक्सेसिव एसिड बना रहा है उसके वजह से आपका पेट जल रहा है, उसको हम डिसऑर्डर बोलेंगे। तो स्टमक ने क्या किया, जरूरत से बहुत ज्यादा एसिड बना रहा है, एसिड बना रहा है, एसिड बना रहा है, एसिड बना रहा है। बनाते बनाते क्या होगा, वो जो एसिड बन रहा है वो एसिड खुद ही स्टमक के सेल्स को जलाएगा। वो स्टमक के एसिड क्या करेगा, वो खुद ही स्टमक के सेल्स को जलाने लगेगा, बर्न करने लगेगा। आप खुद सोचिए ना, आपके हाथ में अगर एसिड गिरा तो क्या होगा, पूरा लेयर जल जाएगा ना, मांस तक निकल आएगा, राइट। सेम वे स्टमक ने स्टमक को एसिड बनाना चाहिए चावल प्रोटीन, मतलब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स को हजम करने के लिए स्टमक को एसिड बनाना चाहिए। लेकिन अभी स्टमक जितना एसिड बना रहा है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हजम होने के बाद भी एक्सेसिव एसिड स्टोर हो जा रहा है, एक्सेसिव एसिड फ्लोट कर रहा है। फ्लोट समझते हैं ना, अगर आपने कभी भी, चलिए आपको एक सिंपल सवाल पूछते ताकि आप समझ पाओ मैं क्या बोलने का कोशिश, क्योंकि मेडिकल है समझ में आ सकता है। गिव यू अ बेटर एग्जांपल, आप में से बहुत लोग खाना पकाते होंगे, अगर आपने कोई खाना पकाए, वेज नॉन वेज कुछ भी हो, आपने अगर खाने में जरूरत से ज्यादा तेल डाला खाना पकाने के टाइम, तो क्या होगा, वो तेल कहा जाएगा, क्या होता है जनरल दिखने में। सपोज आपने जरूरत से ज्यादा खाने में क्या क्या, जरूरत से ज्यादा आपने तेल डाला, तो क्या, व्हाट विल हैपन अगर आपने जरूरत से ज्यादा खाने में तेल डाला। सपोज आप चिकन पकड़े, मछली पकड़े, कुछ भी पकड़े, आपने जब पकाया, ठीक है क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए, जब आपने खाना पकाया और खाना पकाने के बाद
अपने बर्तन में खाने को रखा, तो वो तेल कहाँ पे होता है, मतलब आपके आपके कैसा दिखता है वो खाना, फिर हाउ द फूड लुक्स, हाउ दैट फूड लुक्स, वो बर्तन को है ना, उस बर्तन को आप इमेजिन करें कि आज आज दोपहर को ही आप रात को ही कुछ खाना पकाने वाले, व्हाटएवर वेज नॉन वेज, उसमें डालना चाहिए इतना, लेकिन आपने तेल इतना डालना चाहिए, इतना डाला आपने इतना, तो वो बर्तन में कैसा दिखेगा, वो हाउ इट विल फ्लोट ऑन द टॉप लेयर, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, दैट मीन्स इट विल बी फ्लोटिंग, जो तेल दिखना नहीं चाहिए खाने में वो तेल दिखने लगेगा, क्योंकि खाने में जितना तेल जरूरत था वो तो आपने डाला, लेकिन उससे भी ज्यादा डाला, तो जो आपका चिकन है या मांस है या आलू है या सब्जी है या पनीर है, उसको जितना लेना था उसने ले लिया, लेकिन आपने उससे कहीं गुना ज्यादा डाला, तो आप तो मांस तो नहीं ले पाएगा, तो अभी वो ऊपर फ्लोट करेगा, वो ऊपर तेल तेल फ्लोट करेगा, तो ऊपर तेल तेल फ्लोट करना खाना मतलब, अब वो तेल, जो तेल आपके चिकन में गया है या वेज नॉन वेज चीजों में एब्जॉर्ब हो चुका है, वो तेल आपको हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जो तेल अभी ऊपर फ्लोटिंग कर रहा है, यू नो स्विमिंग कर रहा है, वो आपको हानि पहुंचाएगा। तो अक्सर कोई इंटेलेक्चुअल्स क्या करते हैं, उस तेल को थोड़ा निकाल लेते हैं, जब देखते हैं ना बहुत तेल तेल हो रहा है, उस तेल तेल को निकाल लेते हैं, निकाल के थोड़ा सा कम तेल तेल बनाते हैं, बट बहुत लोग क्या करते हैं, उस तेल के साथ ही चावल रोटी खा लेते हैं, पेट में दर्द शुरू होता है। दैट मीन्स जो तेल सब्जी में घुस गया, मांस में घुस गया, आलू में प्याज में घुस गया, मतलब एब्जॉर्ब हो गया आपके तेल डालने से, उसने प्रॉब्लम नहीं किया, लेकिन जो तेल जरूरत से ज्यादा था, वही तेल ऑयली ऑयली तरीके से फ्लोटिंग कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है बर्तन में, वही वही आपको प्रॉब्लम करेगा, दर्द हो गया होगा, ट्राई करके देखिए, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। इट मींस वेरी सिंपल, अगर स्टमक को चाहिए इतना तेल, राइट, और बन रहा है मतलब इतना एसिड, स्टमक को बनाना चाहिए इतना एसिड, खाना जितना खाना खाए उसके उस खाने को हजम करने के लिए इतना ही एसिड चाहिए, दैट इज एनफ, उसके जगह इतना एसिड बन रहा है, तो इतना खाना आपने खाया, मेरे हाथ को दिखेगा, ओके, जस्ट इमेजिन, आपने इतना खाना खाया, इतना खाना को डाइजेस्ट करने के लिए इतना ऑयल चाहिए, इतना खाना खाया, इतना एसिड बना, तो ठीक है ये खाना डाइजेस्ट, लेकिन जस्ट इस उंगली को देखिएगा, अगर इतना बना एसिड तो मतलब जितना बनना चाहिए उसका डबल बना, तो जितना यूज होना था उतना तो यूज हो गया, यूटिलाइज मतलब जितना यूटिलाइज होना था उतना तो यूटिलाइज हो गया चावल के साथ, बाकी क्या होगा, वही जैसे आपके बर्तन में तेल ऊपर स्विमिंग करता है, वैसे स्टमक के अंदर एसिड स्विमिंग करेगा, द एसिड विल बी फ्लोटिंग एंड स्विमिंग। तेल फ्लोटिंग करने से ही हमें प्रॉब्लम होता है, जो तेल इतना भी हानिकारक चीज नहीं है, अगर एसिड फ्लोटिंग करे स्टमक के ऊपर तो क्या होगा, स्टमक के अब स्टमक के लेयर्स, स्टमक के सेल्स बर्न होने लगेंगे, और वो रिपीटेडली मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर अगर होते रहा, तो एक टाइम स्टमक के सेल्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डिस्ट्रॉय जब हो जाएंगे मतलब छाला निकल जाएगा, जैसे आपके मुंह में नहीं होता ऐसा छाला होता है, हाथ में छाला होता है, बोलते ना मुंह में छाला होता है, हाथ में छाला होता है, आप देखेंगे बहुत स्पाइसी खाना आपने खाया तो आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, आपने कुछ बहुत ही एसिडिक खाना खाया मुंह में छाला हो जाते हैं, मतलब वो खाने का जो एसिड है ना वो आपके म्यूकस लेयर को जला देता है, जो आपके होठों के नीचे म्यूकस लेयर उसको जला देता है, यहाँ पे अंदर में जो आपके म्यूकस लेयर है ना आपके बकल कैविटी में उसको जला देते हैं, स्टमक में भी वैसे म्यूकस लेयर है, द सॉफ्ट लेयर्स जिसको बोलते हैं। सो इट मींस वेरी सिंपल कि जो एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन हुआ है स्टमक से, उसी उसी खुद के स्टमक के एसिड ने खुद ही स्टमक को जला दिया, बोलते ना खुद का पैर में कुल्हाड़ी मारना, तो स्टमक ने क्या किया, अपने खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारा, बिकॉज इट प्रोड्यूस डबल द एसिड ट्रिपल द एसिड देन रिक्वायर्ड, जितना यूज होना था यूज हो चुका, यूटिलाइज होना था, बाकी क्या किया, स्विमिंग किया, स्विमिंग करते करते क्या किया, स्टमक को डुबा दिया, स्टमक के सेल्स को खुद ही किल करने लगा, नाउ द स्टमक सेल्स स्टार्टेड गेटिंग डिस्ट्रॉयड। आपने इमेज देखा है मेरा टेलीग्राम में, मैंने स्टमक का एक बर्निंग पिक्चर डाला था और नेक्स्ट में अल्सर पिक्चर डाला था, एनीबॉडी आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव सीन, बिकॉज़ वहां पे करीब 400 लोगों ने अपने व्यू कर चुके, मैं कल दोपहर को डाला था, आई थिंक आप में से सब लोगों ने देखा होगा, हैव राइट, यू हैव ऑल सीन। सो जो मैंने टेलीग्राम इमेज में दोनों कंपैरेटिव स्लाइड डाला था, दैट्स व्हाई मैं यहां पे नहीं लेके आता, मैं वहां पे रखता था कि आप जब मर्जी देख सके, जब मर्जी रिलेट कर सके, किसी को भेज सके। आपने देखा मैंने दो कंपैरेटिव स्लाइड डाला था, एक था स्टमक का बर्निंग मतलब एसिड बन रहा है बर्निंग, और दूसरा था कि सोचिए आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू इयर्स स्टमक का अल्सर, अल्सर मतलब स्टमक के सेल्स जल गए, छेद हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, छाला निकल गया, स्टमक मतलब क्या हुआ, स्टमक का छाला निकल गया, जस्ट आपके हाथ में या आपके मुंह के म्यूकस में छाला निकल गया। सो इट मींस जब तक स्टमक प्रॉपर एसिड बना रहा था,
कार्बोहाइड्रेट मतलब चावल खाया इतना चाहिए 10 ml, 10 ml बनाया तो ऑर्डर में है स्टमक। अच्छे से बात को ध्यान से सुनिए, जितना एसिड चाहिए उतना एसिड बनाया, 10 ml चाहिए 10 ml बनाया तो स्टमक ऑर्डर में है, 10 ml चाहिए तो उसके जगह 20-30 ml बनाया तो स्टमक का डिसऑर्डर शुरू हुआ। अभी तक हम डिजीज नहीं बोल सकते, डिसऑर्डर शुरू हुआ, क्योंकि डिसऑर्डर्स आर नॉट ऑलवेज परमानेंट, बट डिजीज विल गो टू अ परमानेंट स्टेटस, बिकॉज डिसऑर्डर्स को प्रिवेंशन किया जा सकता है एट एक स्टेज में, लेकिन डिजीज को सिर्फ ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इस चीज को याद रखिए, मैं इसके ऊपर आऊंगा, जस्ट आई सेड आई विल एक्सप्लेन दिस फैक्ट वंस वी फिनिश दिस अल्सर टॉपिक। सो आप एक चीज को अच्छे से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि स्टमक को जाइए चाहिए 10 ml, 10 ml बना रहा है ऑर्डर, 10 के जगह 30 ml बना रहा है डिसऑर्डर, जब वो एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन 30 ml 40 ml बनते बनते जब स्टमक के सेल्स खुद ही मरने लगे, स्टमक का सेल्स खुद ही जलने लगे, जल के परमानेंटली जल गए। क्या बोल रहे हैं, पहले क्या हो रहे थे, जल रहे थे, अब वो जल गए। जल रहे थे और जल गए में बहुत बड़ा फर्क है। जल रहे थे मतलब अभी तक पूरी तरह जले नहीं है, जल रहे थे अब वो जल ही गए, अभी वो बर्निंग हो गए, तब हम बोल सकते स्टमक अल्सर, दैट्स द डिजीज। सो प्रॉपर एसिड प्रोडक्शन इट इज द ऑर्डर, एक्सेस एसिड प्रोडक्शन दैट इज बर्निंग डिसऑर्डर, और एक्सेस एसिड प्रोडक्शन डिस्ट्रॉइंग द स्टमक, स्टमक अल्सर डिजीज। आया समझ में, आर यू क्लियर, आर यू विथ मी? ऐसे करके कोई भी डिजीज से पहले डिसऑर्डर में समझ सकते हैं, दैट्स ऑर्डर को समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अभी हमें पता हो गया स्टमक खाने के साथ साथ एसिड बनाता है, राइट एसिड बनाएगा ऑर्डर, ज्यादा एसिड बनाएगा डिसऑर्डर, ज्यादा एसिड वही एसिड स्टमक को खा देगा तो डिजीज। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज, इस चीज को याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज। लोग बोलते हैं डिजीज कैसे बना, डिजीज तब बना जब ऑर्डर टूटा, और ऑर्डर जब टूटा उसको डिसऑर्डर बोला, और डिसऑर्डर जब कई सालों तक पैटर्न बन गया तब उस डिसऑर्डर ने एक डिजीज क्रिएट किया जिसका नाम है स्टमक अल्सर। दैट्स व्हाई देखिए मैंने वो अपने पोस्ट में लिखा था इमेज के साथ, स्टमक अल्सर द डिजीज सर्टिफाइड एंड क्लासिफाइड। आपने पढ़ा होगा, कोई वहां से कॉपी पेस्ट भी कर गया तो लिख सकते, बिकॉज मैं वहां पे जैसे ही जाऊंगा फोन हैंग हो जाएगा। दैट्स व्हाई वहां पे टेलीग्राम पोस्ट में ये लिखा था, स्टमक अल्सर द डिजीज सर्टिफाइड एंड क्लासिफाइड, मतलब अब किसी के ऊपर स्टैंप लग गया स्टमक अल्सर वाला, लग गया स्टमक अल्सर वाला, सर्टिफाइड एंड क्लासिफाइड। सर्टिफाइड मतलब सर्टिफिकेट मिल गया ब्लड रिपोर्ट में, मतलब बॉडी के एंडोस्कोपी में स्टमक अल्सर, राइट, स्टमक अल्सर। और क्लासिफाइड मतलब क्या क्लासिफिकेशन में आया, स्टमक डिजीज के क्लासिफिकेशन में आया। सर्टिफाइड मतलब हाँ मेरे को मैं स्टमक अल्सर वाला हूँ, बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है लोग, ऑक्सफोर्ड का सर्टिफिकेट से बड़ा सर्टिफिकेट है कि नहीं दोस्तों, राइट, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड मॉस्को जर्मनी उसका सर्टिफिकेट से भी, आई थिंक एम्स उसके सर्टिफिकेट से भी बड़ा सर्टिफिकेट है आजकल स्टमक अल्सर, इजंट इट? सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज कॉल्ड द सर्टिफाइड एंड क्लासिफाइड। लेकिन तब तक था डिसऑर्डर, बिकॉज डिसऑर्डर स्टेज था। नाउ आई विल कम व्हाट इज दिस प्रिवेंशन एंड ऑल दिस। डिसऑर्डर स्टेज तक प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट दोनों लागू है, लेकिन जब डिजीज हो गया तब हम बोल सकते ट्रीटमेंट ही होगा। डिजीज तक पहुंचने नहीं दिया आपने, बस स्टमक को जलने दिया, एक्सेसिव एसिड बनाने दे, उस स्टमक को खा दिया, अब हो गया अल्सर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिसऑर्डर एंड डिजीज। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, अगर ये मैकेनिज्म कोई समझ पाए देन इट विल बी सो इजी टू एडुकेट पीपल। मैंने क्यों एग्जांपल आपको दिया, बिकॉज बहुत टाइम लोग क्या होते, लोग अल्सर हुआ तो भाग भाग के आते मेरे को ठीक कर दो यार, लेकिन जब तक पेट जल रहा है they don't want to spend money पेट के जलने को कम करने के लिए। वो लोग पेंटाप्रेजोल खाएंगे, एजोमेप्रेजोल खाएंगे, ओमेस खाएंगे, बहुत सारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स खाएंगे, H2 ड्रग्स खाएंगे, मतलब बहुत सारे मेडिसिन खाएंगे, जस्ट ओमनी राइट, यस यस दैट्स ओमेप्राजोल, ओमनी राइट। वो लोग बहुत सारे क्या करेंगे, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन खाएंगे पेट का जलना कम करने के लिए। लेकिन अगर उसी लोगों को, वही पब्लिक को अगर हमने ये ज्ञान दे पाए कि आपके स्टमक को क्या करना चाहिए बस, और अभी वो क्या कर रहे हैं, ये करने के वजह से आपके स्टमक को ही क्या होने वाला है लास्ट में, तब वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा अब तो अल्सर ज्यादा दूर नहीं है। तो अगर अल्सर से हमेशा दूर रहना है तो मुझे ओरियंस और न्यूट्रोसिटिकल्स के पास जाना है। आर यू विथ मी, आर यू गेटिंग मी?
आप उसको नहीं बोला ले लो प्रोडक्ट, उसने उसको खुद ही समझ में आ गया मुझे लेना चाहिए। जब उसको ये समझ में आ जाएगा अल्सर अब ज्यादा दूर नहीं, लेकिन उसको तो बहुत दूर रहना है अल्सर से, तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास और ओरिएंट्स एंड न्यूट्रोसिटिकल्स के पास जरूर आ जाएगा। दिस इज द वे यू आर गोइंग टू कन्वर्ट पीपल। यू डोंट हैव टू सेल पीपल, यू हैव टू कन्वर्ट पीपल। डोंट ट्राई टू सेल प्रोडक्ट्स, ट्राई टू कन्वर्ट पीपल इनटू द हेल्थ एंड इनटू अवर प्रोडक्ट्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिजीज एंड अ डिसऑर्डर। ये था स्टमक का एग्जाम्पल। अब मैंने देखिए आपको कल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर मैंने रात को डाला था, आई थिंक a lot of people are still watching those slides, us topic mein aate, because it's a very epidemic, epidemic pandemic topic, I'll bring that topic, because bahut sare logon mein ek confusion hai, jaise ulcer aur pet ke jalne mein confusion tha, I think Hindustan mein, Nepal mein bahut sare logon ko, I think Asian countries mein bahut jagah mein ek confusion hai, sexual problem kya hai aur infertility kya hai, दोनों में दोनों वर्ड है ना, देखिए आपने मैंने लिखा सेक्सुअल डिसफंक्शन, नीचे मैंने लिखा इनफर्टिलिटी, दो वर्ड लिखा था। अगर उस पोस्ट को पढ़ेंगे, मैंने स्पर्म रिलेटेड एक चीज लिखा था कि स्पर्म का नंबर कम होना और स्पर्म का कैपेसिटी कम होना डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर या डिसफंक्शन, स्पर्म नहीं होना और उसका पावर ही नहीं होना इनफर्टिलिटी द डिजीज, राइट, व्हिच विल स्टॉप द ईज ऑफ जनरेशन, राइट। ह्यूमन रेस बनाने के लिए इजीली होना चाहिए काम, अगर इजीली नहीं हो रहा है स्पर्म का काम, तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन जनरेशन को जो जनरेशन वाइज कंपाउंडिंग वो बंद हो जाएगा। सो If somebody can post, pull that and put it here, please pull and put, because main nahi chapa raha channel mein. So, ek simple understanding aate. People are very much confused. Is that sexual dysfunction kya hai aur infertility kya hai? Infertility ka ek simple, sadharan bhasha mein aapko cheez bolta. What is infertility? Infertility matlab fertility nahi. No fertility, aise sochi. Infertility matlab no fertility. Fertility matlab kya hai? What is the meaning of fertility? चलिए आपको छोटा सा example दिखाते हैं। Okay, take this into consideration. Ovum the target, sperm the race. That is actually my post. आपको infertility का एक simple understanding देता हूँ और fertility का। For human body को छोड़ी दीजिए, कुछ एक अलग example दे रहा हूँ। आपने देखा होगा कोई कोई मिट्टी ऐसा होता है, some soils कोई कोई मिट्टी ऐसा होता है जो मिट्टी में बीज डालते ही पेड़ बढ़िया से grow होता है। Are you with me? You know very well. North East में कुछ soils होते हैं, Sikkim में कुछ बहुत fertile soils हैं, हमारे मैं जो West Bengal में बैठा हूँ कोलकाता में उतना fertile soil नहीं है, लेकिन जब आप थोड़ा सा North Bengal में जाएंगे बहुत fertile soils, उस जगह पे बहुत agriculture होता है, कोलकाता में soil fertile नहीं है। तमिलनाडु में आप कोयम्बटूर जाइए, तमिलनाडु का आप सेलम में जाइए, बहुत fertile, मतलब Northern, I think that's in northern part or eastern part of Tamil Nadu, बहुत fertile soils होते हैं। आप कर्नाटका में जाइए, बहुत soils होते हैं। आसाम कुछ एरियाज में जाइए, वेरी फर्टाइल सॉइल्स होते हैं। तो कोई कोई सॉइल्स होते हैं नेपाल में, अगर मुझे कोई पूछे सर नेपाल में कहाँ पे सॉइल्स होगा, नेपाल का जो प्लेन एरिया है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा फर्टाइल सॉइल्स है, वेरी फर्टाइल सॉइल्स इन द नेपाल प्लेन एरिया, एक्सट्रीमली फर्टाइल सॉइल्स। वहाँ पे कुछ भी बीज डालने से थोड़ा मेहनत करने पर बहुत बढ़िया पेड़, बहुत बढ़िया खेती होता है। तो आप जानते कई कई जगह पे खेती या पेड़ का बीज डालने से फटाफट पेड़ के बीच फटाफट पेड़ ग्रो हो जाता है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्टाइल सॉइल्स। You know this word, right? Do you know this word? Fertile soil. बोलते हैं ना, मिट्टी बहुत fertile है। देखो पेड़ बीज डालने से, गेहूं डालने से, चावल के बीज डालने से फटाफट you know grow हो जाते हैं। उस type of soils को बोलते हैं English में fertile soils. Fertile soils मतलब नया generation पैदा करने वाला soil. जो soil के पास नया generation, आपने बीज डाला, वो बीज तो पुराना हो चुका है, लेकिन उस बीज से अब नया खेती हो रहा है। बात को समझिए, एक पेड़ उठाना है, पेड़ तो एक न्यू जनरेशन और बीज है द लास्ट जनरेशन, फिर भी उस बीज को, आम के बीज को डाला आपने, डाल के उसके ऊपर ठीक से टेक केयर किया तो पेड़ खड़ा हुआ, पेड़ इज द न्यू जनरेशन। वह से जो आम भी बन रहा वो न्यू जनरेशन, बट जो बीज था वो लास्ट जनरेशन था, बिफोर जनरेशन। सो आपने अगर आम का बीज डाला एक फर्टाइल सॉइल में, जहाँ पे आम के लिए फर्टाइल सॉइल है, वो फटाक से आम का पेड़ खड़ा करेगा और बहुत सारा आम भी बढ़िया बढ़िया देगा। That means इस टाइप के मिट्टी को बोलते हैं fertile soils, if you understand. Fertile का मतलब क्या है? वो मिट्टी को fertile क्यों बोलें? वो मिट्टी को fertile बोलने का एक ही कारण है, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर पुराने बीज से नया पेड़ खड़ा करने का high power है, इसलिए उसको बोलते हैं fertile soils. Are you with me? आया आपको समझ में? आया तो बोलिए, नहीं आया तो भी बोलिएगा, right? उपजाओ, yes. उपजाति मतलब उपजाओ, मतलब नया जाति को आगे बढ़ाने के लिए, राइट, दैट्स अ वेरी गुड वर्ड, मुझे हिंदी वर्ड नहीं आ रहा, थैंक यू। सो
इट मीन्स व्हाट फर्टाइल सॉइल्स को बोल रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय एग्जांपल. अगर आप एग्जांपल को समझ पा रहे हैं ना, इजीली इनफर्टिलिटी को 5 मिनट में समझ जाएंगे. किसी को 5 मिनट में समझा भी देंगे और ऑटोमेटिक एस्परोसिलाजिन हर कोई लेगा भी. तो एक चीज को अंडरस्टैंड करें, फर्टाइल सॉइल्स का मतलब है वो मिट्टी जहां पे बीज डालने पे नया पेड़ आएगा. आर यू विथ मी? दैट्स कॉल्ड फर्टाइल सॉइल्स. मतलब जेनरेशन आगे बढ़ाने वाला मिट्टी, वो मिट्टी जिसके अंदर पावर है पुराने जेनरेशन से न्यू जेनरेशन खड़ा करना. That's why वहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, वहाँ पे पेड़ लगा रहे, वहाँ पे फल का पेड़ लगा रहे, वहाँ पे आलू का पेड़ लगा रहे. Why they are putting it in? Because वो मिट्टी के अंदर ही पावर है पुराना आम का बीच से नया आम का पेड़ खड़ा करने के लिए. पुराना आम का एज एक बीच से पेड़ खड़ा होगा जिसमें 500 आम होगा. Right? That's called the fertile soil. Because fertile soil means the soil has a power to bring the new generation. That is called soil fertility. Right? It's called the fertile soil. तो अगर मिट्टी में वो एग्जाम्पल है तो चलिए इंसान में एग्जाम्पल क्या है. हम इंसान का दो जेंडर है, एक मेल एंड फीमेल. अभी बीच में मुझे मत लिखिएगा सर तीसरा जेंडर के बाद मुझे चैट में मत लिखिए, इससे पहले किसी ने लिखा था. सो डोंट राइट. सोचिए दो जेंडर मेल एंड फीमेल. लाइक मैं एक बार पोस्ट चल रहा था, सर आपने तीसरा जेंडर के बारे में नहीं बोला, हाथ जोड़ दिया. मीडिया पे हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, कभी पर्सनल मिलेंगे तो जरूर बोलूंगा. सो वी हैव टू जेंडर्स, सोचिए द मेल्स एंड फीमेल्स. सो द मेल एंड फीमेल, राइट करेक्ट, द मेल एंड फीमेल also have a fertility, क्योंकि एक बच्चा बनाने के लिए एक मेल भी चाहिए एक फीमेल भी चाहिए. So now let's come to the process. The process is just मैंने इमेज डाला तो वहाँ पे एक ओवम है, right? आपने देखा वहाँ पे एक ओवम है, मैंने फोटो डाला था टेलीग्राम और वहाँ पे स्पर्म दौड़ रहा है. You know, the sperm is going. Sperm क्यों जा रहे हैं? ओवम को जाके हिट करके एंट्री मारने के लिए. एंट्री मारेगा तो फाइनली ओवम के अंदर का जो सेल्स को हिट करेगा तो एम्ब्रियो होगा, मतलब नया बच्चा होगा. So fertility means infertility word bhul jaye kuch time ke liye. Fertility means the capacity to increase the generation. What is the meaning of fertility? Fertility means the capacity to bring new generation or increase the generation. Simple like that. Just like a fertile soil matlab purana beej se naya beej banane ka power, same way aap fertile hain. Agar hum bol sakte we are fertile, we are fertility, fertile matlab hamare andar wo kshamta hai, wo capacity, wo ability hai ek new generation ko le aane ke liye. हम तो ऑलरेडी एक जनरेशन है, अब न्यू जनरेशन को ले आने के अंदर जिसका पावर है उसको बोलते हैं फर्टाइल पर्सन, और जिसके अंदर वो पावर नहीं है न्यू जनरेशन को ले आने के लिए उसको बोलते हैं इनफर्टाइल. सो द कैपेसिटी टू ब्रिंग अ न्यू जनरेशन इज कॉल्ड फर्टिलिटी. द लैक ऑफ कैपेसिटी, द लैक ऑफ एबिलिटी टू ब्रिंग अ न्यू जनरेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी. आया समझ में? लोग इनफर्टिलिटी को सोचते क्या ना क्या, बहुत डिफिकल्ट साइंस है सर, हम लोग तो कहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी डॉक्टर है. एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, द एबिलिटी टू ब्रिंग अ न्यू जनरेशन दैट मीन्स यू आर फर्टाइल, दैट्स कॉल्ड फर्टिलिटी. द इनएबिलिटी टू ब्रिंग अ न्यू जनरेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी. इतना ही समझिए, एबिलिटी इनएबिलिटी, फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी, बस इतना ही समझाए. बीच में जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है. That means you will understand. So, अब infertility is a disease stamp किया हुआ, certified and classified infertility. तो infertility disease आया कैसे? Infertility disease overnight किसी को नहीं आ सकती, एक दो हफ्ते में भी नहीं आ सकता, एक साल में भी नहीं आ सकता, कई साल चाहिए. That means what is a disease? आज आपको एक नया word बोलता हूँ, so you will remember this. Order तो आपको पता है. What is a disorder? Disorder is a process of breaking the order. That's called disorder. And the continuation of the process of disorder is called disease. Order break hona process ko hum bolte disorder. Aur disorder continue hote rahe rahe. Us process ko finally bolte disease. So agar koi sochta kisi ka agar sperm kharab dikh raha, wo ek do hafte mein nahi ho sakta, ek saal mein bhi nahi ho sakta. मिनिमम 3-4 साल से कोई प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर जिसकी वजह से उसका स्पर्म टूट रहा है, खराब हो रहा है, या प्रोडक्शन बंद हो रहा है. कोई फीमेल का अगर ओवरी से निकला हुआ जो अंडे है, एग, द ओवम, अगर वो काम का नहीं है बच्चा बनाने के लिए, वो एक दिन में नहीं हो सकता, एक साल में भी नहीं हो सकता, एटलीस्ट 3-4 साल तक कुछ प्रोसेस चलाए. क्या प्रोसेस चलाए? द प्रोसेस नेम इज कॉल्ड डिसऑर्डर. सो एक्चुअली द फर्टिलिटी डिजीज जिसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं, दैट्स अ डिजीज. लेकिन उसके पहले हुआ है सेक्सुअल डिसऑर्डर या रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, जो भी आप वर्ड बोलना चाहें. सो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर विल लीड टू द रिप्रोडक्टिव डिजीज. पहले आया रिप्रोडक्टिव ऑर्डर. रिप्रोडक्टिव ऑर्डर मतलब स्पर्म भी ठीक, ओवम भी ठीक, बच्चा भी बढ़िया से आएगा, इजीली आ जाएगा. तो स्पर्म ठीक, ऑर्डर. स्पर्म खराब हो रहा है, डिसऑर्डर.
स्पर्म खराब होते ही जाते 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 पूरी तरह खराब हो गया, बच्चा नहीं बना सकता, डिजीज। सो इनफर्टिलिटी इज अ फाइनल स्टेज, बट इनफर्टिलिटी इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसेस ऑफ डिसऑर्डर। जब डिसऑर्डर का प्रोसेस कंटिन्यूअसली होते जा रहा है तब फाइनली जाके डिसऑर्डर डिजीज क्रिएट करेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या दोस्तों, इनफर्टिलिटी। अब हाउ इट हैपेंस, देखिए हमारा जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है बोथ मेल एंड फीमेल, पहले मेल्स का बात करते हैं। सो जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स का ऑफ द बिगेस्ट रिप्रोडक्टिव काम है, माने सेफ स्पर्म बनाना, एक गुड स्पर्म बनाना, एनफ क्वांटिटी में स्पर्म बनाना। तो स्पर्म नीड टू बी इन एनफ क्वांटिटी एंड ऑफ गुड क्वालिटी, ये दो चीज वर्ड को याद रखिए। सिर्फ बढ़िया क्वालिटी का स्पर्म है बट स्पर्म कम है, बच्चा नहीं होगा। बहुत सारा स्पर्म है लेकिन स्पर्म कोई काम का ही नहीं, क्वालिटी बेकार है, बच्चा नहीं होगा, जब ओवम हिट नहीं कर पाएगा। जो आप इमेज देखा ना, वो इमेज में मिलियंस ऑफ स्पर्म जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ मिलियंस ऑफ स्पर्म जाने से नहीं होगा, मिलियंस ऑफ काम का स्पर्म जाना चाहिए, नाम का नहीं। सो एक बच्चा होने के लिए काम नाम का स्पर्म से कुछ नहीं होगा, काम का स्पर्म होना चाहिए। जो आपने इमेज देखा पिंक में ओवम, इमेजिनेटरी फोटो है ओवम, और जो जो स्विमिंग करके जा रहे हैं उसको स्विमर्स बोलते हैं स्पर्म्स को, वो है आपका स्पर्म। वो जो जा रहा है ना स्पर्म जा रहे हैं, वो एक दो स्पर्म जाने से नहीं होगा, मिलियंस जाना चाहिए, उसमें से एक हिट करेगा। अगर दो हिट कर लिया तो ट्विन्स हो गया, बट एक हिट करेगा। इट मीन्स स्पर्म, आप सोचिए एक मिलियन मतलब होता है 10 लाख, जस्ट नंबर सोचिए, एक मिलियन स्पर्म मतलब 10 लाख स्पर्म, 10 लाख में एक हिट करेगा, दैट ऑल्सो हम उसको लक मानते हैं, 10 लाख में एक हिट करेगा, जस्ट एक। दैट मीन्स 10 लाख का 10 लाख के पास ही वो पावर होना चाहिए। तो 10 लाख के जगह अगर 1 लाख स्पर्म गया तो 1 लाख में से तो एक हिट ही नहीं करेगा, क्योंकि मेडिकल साइंस ने प्रूव करके दिया 10 लाख में से एक हिट करता है। तो 1 लाख में से कितना हिट करेगा, 0.1, वो तो हो ही नहीं सकता। नंबर पेपर में हो सकता है, फिजिकल स्ट्रक्चर में तो 0.1 नहीं हो सकता ना। आप बोल सकते हैं 1 लीवर, आप बोल सकते हैं 0.1 लीवर, क्या काट के अलग से लीवर दोगे, वो तो मर गया लीवर, बिकॉज वी आर लिविंग थिंग, राइट। हम बोल सकते हैं 1 tree, क्या हम बोल सकते हैं 0.1 tree, नहीं ना, वो काट दोगे 0.1 पेड़ ही मर जाएगा, करेक्ट ना। तो ऐसा सोचिए 1 million में 1 sperm हिट करता, मतलब 10 लाख में 1 sperm फाइनली हिट करता, अगर उसके जगह 1 lakh स्पर्म गया तो हिट करने वाला कोई है ही नहीं, सिर्फ क्वांटिटी कम हिट नहीं करेगा। अब क्वालिटी में आते, 1 million में 1 million के पास एटलीस्ट 90% क्वालिटी होगा, तो 1 million 10 लाख में एक हिट करेगा, 10 लाख के 10 लाख के पास हाई क्वालिटी होगा फिर भी 10 लाख में एक हिट करेगा, बस एक। और अगर उस 10 लाख के 10 लाख के स्पर्म के अंदर 90% के जगह जगह जस्ट 30% पावर है, तो हिट करने के चांसेस 3 गुना कम, 10 गुना कम। और अगर क्वालिटी भी नंबर भी 10 गुना कम है, हिट करने के चांसेस 10 गुना कम, मतलब प्रेग्नेंट होने के चांसेस स्पर्म के द्वारा 10 गुना कम हो गया। वी विल कॉल इट द डिसऑर्डर। अभी तक हम उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, डिसऑर्डर, क्योंकि स्पर्म अभी भी जा रहा है, नंबर कम है बट अभी भी जा रहा है, और जा रहा है, क्वालिटी कम है, जीरो नहीं है, क्वालिटी कम है, तो उसको हम अभी भी बोलेंगे फर्टिलिटी डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, जो भी आप वर्ड लेना चाहिए, व्हाटएवर इज यू फील सुइटेबल वर्ड्स, इट्स जस्ट विल हैव द सेम मीनिंग। अब डिजीज कहाँ पे आया, तो मैं इसका फिर बैक हिस्ट्री में आऊंगा, अभी डिजीज कहाँ पे आया। तो ऑर्डर को आपने समझा, 10 लाख मिनिमम स्पर्म जाना चाहिए 90% क्वालिटी के साथ, तब एक फाइनल हिट करेगा। फिर से रिपीट करें मेरे साथ, या कोई मुझे लिखे भी, ताकि मैं समझ पाऊंगा कि आप मेरे को समझ रहे हैं, इट्स अ वेरी क्रिटिकल टॉपिक। 10 लाख स्पर्म जाना चाहिए 90% क्वालिटी के साथ, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर, द राइट ऑर्डर, राइट तरीके, राइट ऑर्डर। सो व्हाट इज द राइट ऑर्डर, 10 लाख स्पर्म्स इन वन टाइम विथ 90% क्वालिटी ऑर्डर, 10 लाख का रिडक्शन ऑफ नंबर, इवन 5 लाख पे भी, विथ द रिडक्शन ऑफ क्वालिटी इज कॉल्ड डिसऑर्डर। सो 10 लाख स्पर्म विथ 90% क्वालिटी ऑर्डर, हाफ नंबर ऑफ स्पर्म विथ हाफ क्वालिटी डिसऑर्डर, अभी तक डिजीज नहीं बोल सकते। डिसऑर्डर मतलब होने के चांसेस बहुत कम हो गए, हाफ हो गए या 3 गुना नीचे हो गए, स्टिल हम लोग वर्ड यूज करें दोस्तों डिसऑर्डर। अब आया डिजीज पे, जब स्पर्म बनना ही बंद हो गया, जब स्पर्म का क्वालिटी पूरी तरह ही जीरो हो गया, या स्पर्म का नंबर पूरी तरह जीरो हो गया, अब उसको हम बोल सकते हैं डिजीज, प्योर इनफर्टिलिटी। मतलब पहला
ऑर्डर में क्या था, मैं एज आदमी बोल रहा हूँ, पहले हम आदमी का बात करते हैं, इनकम टू लेडीज, आदमी का क्या हुआ, आदमी का ऑर्डर है मतलब फुल पावर है, बट यस आई विल रिपीट वन मोर टाइम, आई नो इट्स अ क्रिटिकल टॉपिक, ऑर्डर मतलब क्या है, मैन का मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट आई विल टेक एज अ मैन, देन आई विल कम टू द फीमेल्स, मैन का ऑर्डर मतलब फर्टिलिटी, ऑर्डर मतलब क्या हुआ दोस्तों, फर्टिलिटी ऑर्डर मतलब स्पर्म का क्वांटिटी भी इनफ है, स्पर्म का क्वालिटी भी इनफ है, स्पर्म का क्वांटिटी 10 लाख है एट वन शॉट एंड 90% है टू मेक प्रेग्नेंट, वो भी लक का बात है, उसके बाद होगा कि नहीं होगा बट उतना है। अब आया डिसऑर्डर पे, क्वालिटी हो गया डाउन, क्वांटिटी हो गया डाउन, लेकिन अभी भी एबिलिटी है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अभी भी एबिलिटी है, एबिलिटी चला नहीं गया, ऑर्डर मतलब फुल एबिलिटी, भैया बोल सकते फुल कैपेसिटी, reduced ability, disorder, inability, ability ही नहीं है, मतलब sperm का quality इतना ही down हो चुका है, अब वो sperm pregnant बना ही नहीं सकता, जब तक उसको repair नहीं करेंगे, और sperm का number इतना ही कम हो गया है, chances ही नहीं है, कोई उपाय, it's like impossible word है, अब उसको sperm का number बढ़वाना पड़ेगा, quality भी बढ़वाना पड़ेगा, तब जाके वो काम का sperm होगा, तब finally हम बोल सकते हैं क्या दोस्तों, disease। So, जब लोग सेक्सुअल डिसऑर्डर और डिजीज का यू नो अंडरस्टैंडिंग में आना चाहते हैं ना, अगर लोगों को हम हेल्प कर पाए, मतलब हम एजुकेशन दे पाए, अगर मैं कॉन्स्टेंट पोस्ट करते रहा तो और भी डालते रहूंगा फर्टिलिटी के ऊपर, अगर कोई भी एक इंसान को ये समझ में आ जाए कि डिसऑर्डर होते होते इस पार भी जा सकते हैं, डिसऑर्डर होते होते इस पार भी जा सकते हैं, उस पार भी जा सकते हैं, उस पार है इनफर्टिलिटी और इस पार है फर्टिलिटी, अगर लोगों को हमने यहाँ पे पकड़ लिया या लोगों ने हमें यहाँ पे पकड़ लिया, प्लीज Let's help out. That means हम लोगों का ओरियंस के न्यूट्रोसिटिकल के द्वारा इस पार ला सकते हैं. Back to fertility. Fertility, reduce fertility, infertility. Are you with me? आया समझ में, तीन वर्ड याद रखिए क्योंकि मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ ये हिंदी में नहीं बोल पाऊंगा. First क्या बोलते हैं? Fertility. Next क्या बोल रहा हूँ मैं? Reduce fertility. तीसरा क्या बोला मैंने? Infertility. बस ये तीन वर्ड याद रखिए. मेल फीमेल दोनों के लिए दोनों ये तीन वर्ड याद रखिए, फर्टिलिटी, रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी. अगर ये तीन वर्ड समझ गए तो इनफर्टिलिटी शब्द लास्ट में आता है, लेकिन रिड्यूस फर्टिलिटी है डिसऑर्डर, इनफर्टिलिटी है डिजीज. वो रिड्यूस फर्टिलिटी में आज आई कैन टेल यू ऑलमोस्ट इंडिया में 60% मेल्स एंड फीमेल्स, बोथ 60% मेल्स 60% फीमेल्स, ये लॉकडाउन का स्ट्रेस के वजह से मैंने जो वीडियोस डाला था आपने देखा होगा मेरे चैनल में, रिड्यूस फर्टिलिटी ड्यू टू लॉकडाउन, I mean, many thousands of people have watched it. मैंने एक ही चीज फोकस किया, because of the COVID lockdown, because of the induced stress, because of the poor metabolism we are sitting, because of the negative stress of fear of loss of work, job, money, finance, whatever, it has hit the sexual organs. Because brain is the head office, these all are the branch office. ये चीज को याद रखिए, ये head office है, बाकी सब branch office है. So, एक simple understanding है, if we can actually educate people, aware people, कि ये कारणों के वजह से ये सिचुएशन में रिड्यूस फर्टिलिटी चल रहा है. मार्केट ट्रेंड बोलते ना, मार्केट ट्रेंड, एक ब्रांड नहीं आता, ये कपड़ा अभी ट्रेंड हो रहा है, इंस्टाग्राम में ये ट्रेंडिंग है बोलते ना, लोग उस ट्रेंड के पीछे भागते हैं. लोग थोड़ा मेरे ख्याल से लोग थोड़ा फर्टिलिटी ट्रेंड के तरफ अगर भागेंगे तो उनको बाद में टेस्ट बेबी क्लिनिक में 20 लाख लेके भागना नहीं पड़ेगा. व्हाट डू थिंक, सही है ना? तो लोग अगर वो शर्ट का ट्रेंड, इंस्टाग्राम में ट्रेंड है ना, शाहरुख खान का ट्रेंड को ना भाग के, लोग अगर फर्टिलिटी को समझने का ट्रेंड के पीछे थोड़ा सा भागते हैं, आई थिंक बाद में उनको टेस्ट टू बेबी क्लिनिक में 20 लाख लेके नहीं भागना पड़ेगा, वो भी विदाउट अ गारंटी टू गेट द बेबी. सो आई थिंक वी शुड एक्चुअली टीच एंड एडुकेट पीपल, एंड इसके लिए मेंशन कौन सा चाहिए. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम लोगों ने अभी लोगों को अवेयर कर पाए, बस इतना अवेयर कर पाए, व्हाट इज द रिड्यूस फर्टिलिटी, दैट इज द डिसऑर्डर, एंड फाइनल टू द डिसऑर्डर विल बी द डिजीज इनफर्टिलिटी. मैं इतना आपको जरूर बोल सकता हूँ, पीपल विल टर्न अप, पीपल विल टर्न अप मतलब बोलते ना मुड़ के, हाँ जरूर देखेंगे, टर्न अप मतलब बोलते ना कुछ सुना, हाँ क्या है, क्या क्या बोलते ना हिंदी में बोलते, क्या ऐसा नहीं है, क्या मतलब गुस्से में बोला, और कोई होता है क्या, पीपल विल टर्न अप. अब हमें काम ही ऐसा करना है, तो लोग चैट आपका पोस्ट देखने के बाद है, फोन देखने के बाद है, आपका जूम मीटिंग देखने के बाद, क्या ये होना चाहिए, जब क्या आएगा तभी आप उसके आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे. दैट्स कॉल्ड
राइट, मैंने आपको बोला था अगर आपको याद है के डी ए सी, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, रिमेम्बर दिस एंड इम्प्लीमेंट दिस, के डी ए सी, आपको के डी ए सी होना है। आप बोल रहे हैं के डी ए सी, मेनी पीपल डिडंट नो दिस वर्ड, के डी ए सी मतलब ये मेरा एक मैंने बनाया हुआ वर्ड है, कहीं पे लिखा नहीं है गूगल में, सो बट आई जस्ट थॉट एंड पुट दिस, के डी ए सी मीन्स नॉलेज ड्रिवन अटेंशन क्रिएशन। आर यू विथ मी? के डी ए सी, नॉलेज ड्रिवन अटेंशन क्रिएशन, यही ट्रेंड से आपका बिजनेस जरूर होगा, क्योंकि इफ यू ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट पीपल विल नॉट बाय द प्रोडक्ट, बट इफ यू डू के डी ए सी नॉलेज ड्रिवन अटेंशन क्रिएशन, पीपल विल बी ऑटोमेटिकली पुल्ड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम, दे नीड अ सॉल्यूशन। What is nutraceutical is the solution. You and you as a leader is the solution. That's called KDAC, knowledge driven attention creation. लोग ऐसा कुछ आपका पोस्ट देखने के बाद, चैट देखने के बाद, आपका फोन सुनने के बाद क्या 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 ऐसा होना चाहिए? That's called attention. That means knowledge driven attention creation. आप जबरदस्ती किसी का attention नहीं खींच सकते, दो पांच मिनट के लिए खींच सकते हो, दो हफ्ते के लिए नहीं खींच सकते, दो साल के लिए अपने साथ ऑडियंस में नहीं खींच सकते। KDAC, K for knowledge, driven, D for driven, A for attention, C for creation. K D A C, knowledge driven attention creation. Okay, clear? Knowledge driven, जैसे आज हमने जो disease and disorder का topic में बात किया, अगर ये knowledge आप तक नहीं रखे, आप 10 तो भी दोगे ना, 10 हाँ क्या हाँ ऐसा फिर discussion में है। What happens? What does K D A C do? K knowledge driven attention creation. Then what does K D A C do? K D A C creates attention. Why watch? Why what? The knowledge. So the attention जब create हुआ किसी का, automatically next क्या आता है? Discussion, not debate, discussion या conversation. Okay, चलिए ऐसा होगा, पहले attention, उसके बाद आएगा conversation, conversation के बाद आएगा discussion, और discussion अगर उसके लिए काम का हुआ तो finally वो लेगा audience product के लिए decision. Are you with me? Right? आप लोग देखिए, आप लोग businessman, you are all entrepreneurs, तो entrepreneurs के पास innovative mind होना चाहिए, वो घिसा पीटा सरकारी टाइप का चलने वाला दिमाग से नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर के पास यू हैव सम इनोवेटिव थिंकिंग, राइट? देन यू कैन एनी सिचुएशन में भी, एनी मार्केट में भी आप अपना बिजनेस निकाल सकते हो। सो व्हेन यू डू केडीएसी, तो क्या क्रिएट हुआ? फाइनली अटेंशन। अटेंशन क्रिएट होने के बाद क्या शुरू होगा? कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन के बाद क्या होगा? कन्वर्सेशन यहाँ से होता है। कन्वर्सेशन के बाद क्या होगा? डिस्कशन, जो यहाँ से होता है, दिलो दिमाग से। डिस्कशन के बाद अगर उसको डिस्कशन बढ़िया लगा, काम का लगा, तो कस्टमर क्या लेगा? डिसीशन। हाँ मुझे एस्परोस चाहिए, ओ हाँ मुझे सिलाजीत चाहिए, हाँ मुझे एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, डिसीशन। हाँ मुझे ओरियंस के प्रोडक्ट चाहिए, दैट इज कॉल्ड द डिसीशन। सो रिमेंबर दिस पैटर्न, दिस इज ऑल साइंस, जो भी बोल रहे, इट इज एक्चुअली साइंस, बिकॉज पीपल थिंक बिजनेस इज बिजनेस, बट बिजनेस इज ऑल्सो साइंस। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इकोनॉमिक्स भी एक साइंस का ही पार्ट है, जस्ट उसको एक अलग स्ट्रीम बनाया गया है। And you are into economy, you are into health economics, right? So KDAC means knowledge driven attention creation. When we drive the knowledge, if that will create the attention, attention will create a conversation, conversation will create a fruitful discussion. Ab aap bologe sir fruitful discussion kaise karu? Agar aapne knowledge se hi liya hai, training se hi liya hai, baar baar liya hai, expert bane to aap bahut bada discussion kar payenge, bahut badhiya se. Nahi hai to bakwas discussion karenge, aadmi chala jayega, decision nahi le payega. लेकिन इफ नॉलेज इज, इफ यू ड्राइव द नॉलेज एंड क्रिएट द अटेंशन, ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू अ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन विल लीड टू अ डिस्कशन, फ्रूटफुल डिस्कशन, फाइनली इट विल लीड टू अ डिसीजन। हाँ मुझे ये चाहिए, व्हाट इज द डिसीजन? मुझे ये चाहिए। रिमेंबर माय वर्ड, मैं बहुत बार ये बात बोलता हूँ, बिकॉज आप लोग लीडर्स हैं ऑफ कोर्स, बट मेरा छोटा मोटा एक्सपीरियंस है, फिर भी उससे बोल रहा हूँ। आप किसी के लिए डिसीजन नहीं ले सकते, never decide for someone, but influence his decision. Are you with me? Don't take the decision for someone, but you can influence the decision. Means tum product lo, tumhe chahiye, ye bolne se koi nahi lega, lega bhi to khayega nahi, ek hi baar lega. That means aap uska decision le rahe ho, ye kabhi nahi hota hai. Lekin right, it's not chota mota sir, lekin agar aapne kaam hi aisa kiya ki aapko kya karna hai, आप चाहते हो ऑडियंस का प्रोडक्ट खरीदे ताकि आपका बिजनेस हो, ताकि उसका हेल्थ भी अच्छा हो, आपका बिजनेस भी अच्छा हो, और वो आगे भी बढ़े, बट वो खरीदेगा नहीं खरीदेगा, खाएगा नहीं खाएगा, बार बार खाएगा नहीं खाएगा, उसको प्रेफर भी करेगा नहीं करेगा, वो आपका डिसीजन नहीं है, हमारा नहीं है, वो उसका डिसीजन है। लेकिन हम क्या चाहते, वो ये चीज डिसीजन करे, लेकिन आप उसका डिसीजन
खुद नहीं ले सकते हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इस साइकोलॉजिकल चीज को समझे. जैसे मैंने बहुत बार साइकोलॉजी सबकॉन्शियस माइंड लिया है. सो इट मीन्स वी कैन टेक समबडीज डिसीजन बट वी कैन डेफिनेटली इन्फ्लुएंस समवनस डिसीजन. इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना, दबावित नहीं. दोनों वर्ड के बीच प्लीज डिफरेंस को याद रखिए, प्रभावित और दबावित. प्रभावित मतलब इन्फ्लुएंस करना, दबावित मतलब प्रेशर डालना. प्रेशर डालेगा थोड़ी कोई लेगा. अगर आपको जूम मीटिंग में आपका अपलाइन ने या हमने हमारा मीटिंग से, हमारे ट्रेनिंग से, हमारे मार्केटिंग से, लोगों से, हमसे, हमारे हमारे कार्यक्रम से अगर आप प्रभावित हुए हैं तो आप आएंगे. लेकिन आपको दबावित दे के एक दिन ला सकते, दूसरा दिन नहीं आ सकते. राइट, मैं आपको सिंपल वे में फिर से बोल रहा हूँ. नो बडी कैन डू दबावित. दबावित से आपका ये नेटवर्क मार्केटिंग दबावित से नहीं चलता है, प्रभावित से चलता है. इट मींस डोंट टेक द डिसीजन फ्रॉम समवन एल्स, इन्फ्लुएंस दैट समवन एल्स डिसीजन. दैट इन्फ्लुएंस दैट मींस आप क्या चाहते हो डिसाइड करें, वो फीमेल एस्पोरस चाहिए. फर्टिलिटी का टॉपिक होती है, वो फाइनल डिसीजन के लिए, हाँ मुझे एस्पोरस चाहिए, एक एग्जांपल. वो मेल डिसीजन के लिए, हाँ मुझे जिनसेंग या सिलाजिक मुझे चाहिए. आप चाहते हैं कि वो ये डिसीजन ले, लेकिन आप उसका अपना ये आप चाहते हो, लेकिन आपका चाहना उसके ऊपर आप सौंप नहीं सकते हो. मे बी आपका बहुत क्लोज है, भाई है, बहन है, बहुत क्लोज है, एक बार सौंप सकते हो, दूसरे बार नहीं सौंप सकते. एक बार सौंपे वो खाएगा भी नहीं, प्रोडक्ट रख देगा. सो प्रोडक्ट उसको चाहिए कि नहीं, वो खाएगा कि नहीं, बार बार खाएगा कि नहीं, लोगों को रेकमेंड करेगा कि नहीं करेगा, दैट इज हिज डिसीजन. बट यू वांट टू इन्फ्लुएंस हिज एक्चुअली डिसीजन. यू कैन नॉट प्रेशर हिज डिसीजन. इन्फ्लुएंस विल बी डन बाय KDAC, नॉलेज ड्रिवन अटेंशन क्रिएशन. यू क्रिएट द अटेंशन, इट विल स्टार्ट अ कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन मुंह से होता है, लिंगुअल. कन्वर्सेशन विल लीड टू अ डिस्कशन, जहां पे मुंह के बाद दिल और दिमाग भी इन्वॉल्व होता है. कन्वर्सेशन कहां से हो रहा है? लिंगुअली, मुंह से. लेकिन वो कन्वर्सेशन जो बहुत बढ़िया होगा, देन उसके बाद ऑटोमेटिकली होगा डिस्कशन, जहां पे मुंह के साथ साथ दिलो दिमाग भी इन्वॉल्व. अभी तीन सेंसेस इन्वॉल्व, तीन ऑर्गन्स इन्वॉल्व. यहाँ पे पहला कन्वर्सेशन में सिर्फ बातचीत हो रहा था, बट बातचीत बढ़िया हुआ तब वो डिस्कशन में गया, जहाँ पे दिल दिमाग और मुंह से ऑटोमेटिकली हो रहा है. जब डिस्कशन बढ़िया होगा, राइट, ऑटोमेटिकली उसके पास उपाय होगा, उसके पास कारण होगा टू टेक द डिसीजन. ओ या मुझे चाहिए, मुझे तो जरूरत है. डिसीजन क्या होना चाहिए? मुझे जरूरत है. आपको चाहिए नहीं लेगा, आपको जरूरत है बोलने से नहीं लेगा, उसको में मुझे जरूरत है, उसको जरूरत है, उसको चाहिए तभी वो लेगा. जस्ट उसको क्रिएट कराना है वाया द राइट नॉलेज. बिकॉज मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ, बहुत बड़े बड़े ट्रेनर ने बोला, मुझे वर्ड बहुत पसंद होता है, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, पीपल लाइक टू बी हेल्प्ड. मैं फिर से बोल रहा हूँ, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, पीपल लाइक टू बी हेल्प. दैट्स वाई ऑलवेज रिमेंबर, आप ऑडियंस में है. मैं दूसरे MLM कंपनी में कैसे काम होता है, दूसरे में कहाँ पे काम होता है, मैं उस डिस्कशन में नहीं आ रहा हूँ. नेटवर्क इंडस्ट्री में भी जनरली कैसे काम कर रहे हैं उसका भी फुल डिस्कशन में नहीं आ रहा हूँ. मैं अपना ऑडियंस कंपनी का स्पेशल डिस्कशन में आ रहा हूँ. यू इन ऑडियंस हेल्थ केयर, यू आर नॉट अ सेल्समैन, यू शुड बी अ कंसल्टेंट. मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप एक हेल्थ या न्यूट्रोसिटिकल या न्यूट्रिशन का आप सेल्समैन नहीं है, आप कंसल्टेंट है. कंसल्टेंट क्या करता है? सेल करता है. कंसल्टेंट KDAC करता है, नॉलेज ड्रिवन अटेंशन क्रिएशन. कंसल्टेंट सेल करता नहीं है, राइट, बाय करवाता है. आर यू विथ मी? आया समझ में नहीं आया? कंसल्टेंट सेल करता नहीं है, कंसल्टेंट बाय करवाता है, खरीदवाता है, बेचता नहीं है. उसको बेचना ही है बट वो खुद बेचता नहीं, खरीदवाता है. दैट मीन्स टू जनरेट परचेस फ्रॉम द बायर, नॉट टू सेल द बायर. बट दैट कैन बी ओनली डन बाय KDAC. सो इनफर्टिलिटी का जो टॉपिक आज मैंने बोला आपको, मैंने आज दो बोला. मुझे थायराइड बोलना था लेकिन मुझे लगा ज्यादा हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कल लेके आएंगे. बिकॉज डिजीज डिसऑर्डर्स आई वॉन्टेड टू टेल यू एटलीस्ट 10. मुझे यूरिक एसिड बोलना है आपको, बहुत लोग यूरिक एसिड प्रॉब्लम है. आई टू टेल यू थायराइड, मैं आर्थराइटिस के बारे में आऊंगा, कॉन्स्टिपेशन कल ऑलरेडी मैं बोल चुका था, हार्ट के बारे में मुझे आना है. सो आई थिंक इट विल टेक मी अनदर 2-3 क्लासेस. अगर मैं डेली दो भी बोलूँ डिसऑर्डर्स, देन 2-3 क्लासेस. बिकॉज इफ आई टेल इन अ स्ट्रेच आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको समझना इंपॉर्टेंट है. मेरा बोलने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका समझना. मैं हमेशा ये विश्वास करता हूँ, मेरा समझाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका समझना, क्योंकि मेरा ड्यूटी है समझाना. बट आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे, उससे भी वो भी मेरा बहुत ज्यादा ड्यूटी है. सिर्फ मेरा समझा रहा हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ सिटिंग एंड टॉकिंग हियर. आपका समझना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मेरे लिए करता है. मुझे पता नहीं और किसी के लिए क्या लगता है, मेरे लिए प्रायोरिटी है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड. Then only you can implement. If you don't understand what you will implement, as simple as that. So, what we can understand is that, आपने fertility, आज हमने ulcer, right?
एंड फर्टिलिटी, ये दो चीज को हम डिस्कस किया। तो अगर आप किसी को डायरेक्टली फ्रूट फाइबर एलोवेरा प्रीमियम जूस जाके लो, तुम्हारा पेट जल रहा है भाई, तुम ये लो, तुम्हारा पेट जल रहा है ये तुम लो, या तो अल्सर होगा, वो नहीं लेगा, वो आपको भगा देगा। आपने कोशिश भी किया होगा राइट, ऐसे बहुत बार वो नहीं लेगा, लेकिन आपने अगर उसको पहले ही वो अटेंशन क्रिएट किया, पोस्ट पोस्ट क्यों डालता, टू क्रिएट पीपल्स अटेंशन सो दैट यू कैन क्रिएट योर मासेस अटेंशन, देन व्हाट विल हैपन, दे विल स्टार्ट अ डिस्कशन कन्वर्सेशन, हाँ यार पेट का तो आजकल बहुत जलन फलन हो रहा है, पता नहीं यार लास्ट दो तीन महीने से ऐसा कुछ चल रहा है सिलसिला। तब आप आए डिस्कशन में कि पेट क्यों जल रहा है, मैंने एग्जांपल्स यूज किए, तेल ऊपर फ्लोट कर रहा है तो कैसा लगता है, एसिड ऊपर फ्लोट कर रहा होगा तो कैसा लगता होगा, कैसा होने वाला होगा। आइए फिर क्या आप किस में आए, आपने अब डिस्कशन में, अब उसके बाद यू आर गोइंग टू द अल्सर, सो ही विल नेवर थिंक यू केम टू सेल द प्रोडक्ट, यू आर हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, देन ही इज लुकिंग फॉर व्हाट, ही अंडरस्टूड दैट ही हैज अ वेरी बिग प्रॉब्लम and he's going to face an even bigger problem, then what is looking for solution, solution ke liye kya le liya usne decision, solution dene wala kaun, aap, big gaya aapka solution, Orient Nutraceutical ho gaya kaam, aapne becha hi nahi tha but big gaya, aapne kaha becha, ab wo big gaya, that's finished, that's called the right ethics of business, main bolta hu ye kahin na kahin main hamesha bolta hu ki main apne director se bahut ye cheez sikhta hu, hamesha mujhe Karthikeyan sir bolte knowledge do logo knowledge do, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक जाएगा, प्रोडक्ट हमें सेल नहीं करना, नॉलेज दो नॉलेज, मुझे हमेशा कार्तिकेयन सर बोलते रहते हैं, जब भी मैं सर के साथ बाहर ट्रैवल करता था, कहीं पे भी सर के साथ बैठता था, कभी सर के साथ डिनर में, हमेशा बोलते हैं डॉक्टर यू ओनली गिव द बेस्ट नॉलेज एंड टेक्निक, नॉलेज एंड टेक्निक दो लोगों को, नॉलेज एंड टेक्निक दो लोगों के अंदर, मैंने ज्ञान बढ़ाओ लीडरशिप बढ़ाओ, मुझे हमेशा कार्तिकेयन सर बोलता था, जब भी फोन में बात करता अभी भी कार्तिकेयन सर वही बात बोलते हैं, नॉलेज दो और टेक्निक दो, और नॉलेज को लीडरशिप में परिवर्तन करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, ऑटोमेटिकली ही लोग, हमारा प्रोडक्ट मूव होगा, हमारा को अच्छे से मूव कर पाएंगे, हमारा बिजनेस होगा, लोग भी बहुत अमीर बनेंगे, लोग भी ग्रो होंगे। सर मुझे हमेशा ये चीज सिखाते हैं, आप अगर मैं लास्ट तीन दिन पहले भी बोल रहा था सर के साथ मेरा बात होता है, हफ्ते में दो बहुत हम बात नहीं करते, जब बात करते सर मुझे एक ही चीज बोलते, अभी मैं ट्रैवल करता हूँ सर के साथ, सर व्हाट नेक्स्ट टू इंक्रीज आवर यू नो बिजनेस एंड इंक्रीज द डिस्ट्रीब्यूटर्स things and increase our leaders business, मैं हमेशा एक बात पूछता हूँ, चक्रवर्ती you just think of the best knowledge and think of the best way to give the knowledge, तुम्हारे पास knowledge तो है ही, क्योंकि तुम पढ़ा लिखा करके आए हो, लेकिन तुम technique और better better सोचो, ताकि वो ज्ञान को लोगों को देने पे ज्ञान लेके लोग ज्ञान को दे पाए, सिर्फ लेने से नहीं होगा, लोग लेने के बाद उसको दे पाए, जिसको दिया वो भी आगे दे पाए, बस तुम इसके ऊपर काम करो और तुम्हें कुछ नहीं करना, मुझे हमेशा कार्तिकेयन सर यही बात बोलते हैं, so hats off to him that he always teaches like this, और कोई कंपनी के डायरेक्टर्स क्या करते हैं मुझे पता नहीं, या करते भी होंगे तो प्रोडक्ट 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 जाए जाए मेरा सेल हो, सर बोलते सेल नहीं सिखाओ, सेल ऑटोमेटिक होगा, मैं भी वही चीज आपको दे रहा हूँ जो मुझे कार्तिकेयन सर देते, मैं वही चीज बस अपने टेक्निक में दे रहा हूँ, अपने स्ट्रैटेजी मेरा है लेकिन फिलोसॉफी सर का है, शायद टेक्निक एंड स्ट्रैटेजी मेरा है लेकिन फिलोसॉफी सर का ही है, जिस फिलोसॉफी को मैंने टेक्निक में ले आके आपको दे रहा हूँ, रिमेंबर दिस फैक्ट, बिकॉज हमने अगर किसी को एक बार प्रोडक्ट चिपका दिया ना, लोग प्रोडक्ट चिपका, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग भागते क्यों, यू नो व्हाई पीपल, लोग नेटवर्कर नेटवर्कर, अरे पर भाग 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 भाग, लोग ऐसा करते नहीं करते, अगर नॉर्थ ईस्ट में देखो, बंगाल में देखो, साउथ में देखो, दिल्ली में देखो, नेपाल में भी थोड़ा थोड़ा हो चुका है सब चीजें, नेटवर्कर भाग 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 भाग, कुछ बेचने के लिए आए हैं, नेटवर्कर भाग 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 भाग, चिपकाने के लिए आए, लूटने के लिए आए, दिस इज द एक्चुअली माइंडसेट, चाहे साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, नॉर्थ ईस्ट हो, वेस्ट इंडिया हो, नेपाल हो, भूटान हो, कहीं भी हो, अरे नेटवर्कर भाग 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 भाग, ऐसा वाला बात है, क्योंकि क्या हो गया है कि पीपल आर ट्राइंग टू सेल, दे आर नॉट ट्राइंग टू हेल्प, बट वट वी वॉन्ट, नोबडी विल पिक द कॉल, करेक्ट, नो सच में बात एकदम सही, नोबडी विल पिक द कॉल, अरे नेटवर्कर बेचने के लिए आए, चिपकाने के लिए आए, कुछ तो नया स्कीम लेके आए, पता नहीं क्या प्रोडक्ट लेके आए, फिर से कुछ ले आने के लिए, दैट मीन्स ये बदनामी की वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग से भागते हो, नेटवर्कर से भागते हैं, बट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप नेटवर्कर नहीं, आप हेल्थ वर्कर है, one more time, never think you are a networker, you are a network of health worker, that's it, you are a network, aap kiske down, aap to kisi ke downline, that means you are a network of a health worker, aapka upline bhi health worker hai, and you will create a network of health worker, aap downline banaoge bhi health worker ka, aap aapka upline ne bhi aapko banaye, matlab aapka upline bhi ek health worker hai, so you are a network of health worker, and aap downline bhi create karo health worker ka, so automatically ही आप एक network of health worker create कर रहे हैं, but by what? Via the health knowledge, then comes the health solution.
सो इफ यू डू दिस, आप आज ही ये सेशन खत्म होने के बाद आप अल्सर के टॉपिक के ऊपर 10 लोगों से बात करो, फर्टिलिटी टॉपिक के साथ 10 लोगों से बात करो, पीपल आर गोइंग टू हाँ क्या ओ हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, लोग मतलब लोग कुछ टाइम सोच में पड़ना चाहिए. क्या होता है हमारे ब्रेन में कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस ब्रेन होता है, आपने मेरा वो बहुत लेक्चर सुना है, मेरा वीडियो में भी देखा होगा, टेलीग्राम यूट्यूब में मेरे पोस्ट में भी देखा होगा. क्या होता है कि जब हम किसी के साथ बहुत इंटेलेक्चुअल बातों में है ना, तो कॉन्शियस ब्रेन सबसे पहले आएगा बिकॉज इट इज द फर्स्ट एक्टिंग ब्रेन. लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन के पास कॉन्शियस ब्रेन ट्रांसफर कर इन्फॉर्मेशन और सबकॉन्शियस ब्रेन उसके सोच में पड़ गया, लोग सोच में पड़ जाए, जब लोग सोच में पड़ जाएगा तब वो विचार में परिवर्तन होगा. रिमेंबर दिस थिंग, जब लोग आपके बातों से आपके शिक्षा से आपके ज्ञान से सोच में पड़ जाएंगे तभी वो विचार में परिवर्तन होगा. विचार मींस डिसीजन, सोच मतलब थिंकिंग, थिंकिंग विल लीड टू फाइनल डिसीजन, विदाउट थिंकिंग नोबडी विल टेक एनी डैम डिसीजन. ये चीज को याद रखिए दोस्तों, आप अपना काम को आगे बढ़ाएंगे. सो टुडे हमने स्टमक के ऊपर बात किया था, अल्सर एंड द एसिडिटी, यू नो वेरी वेल एग्जाम्पल्स यूज करें, और आज हम उसके बाद हमने फर्टिलिटी के ऊपर बात किया, मैं मेल फर्टिलिटी तक ही रखा है, कल मैं फीमेल फर्टिलिटी को बात करूंगा, क्योंकि फीमेल मेल फर्टिलिटी समझाना मेरे लिए 10 मिनट का काम था, फीमेल फर्टिलिटी मिनिमम आधा घंटा चाहिए, बिकॉज फीमेल सिस्टम्स आर स्पेशल कॉम्प्लिकेटेड एंड सेंसिटिव. मैंने बहुत बार मेरा वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यूट्यूब वीडियो में ये 3 वर्ड बार बार यूज किया, स्पेशल स्पेशल कॉम्प्लिकेटेड एंड सेंसिटिव, ये 3 चीजें हैं. सेंसिटिव मीन्स बहुत ईजिली कोई भी चीज उसको नुकसान पहुंचा सकता है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब उसको समझने के लिए बहुत डीप तक जाना पड़ेगा, स्पेशल है बिकॉज एक फीमेल के द्वारा एक बच्चा आता है दुनिया में, वरना जनरेशन यहाँ तक नहीं आता था, दैट्स व्हाई मैंने स्पेशल बोला. सो मुझे 30 मिनट्स तो चाहिए, दैट्स व्हाई आई विल पुट इट टुमारो, बट मेल सिस्टम थोड़ा सा इजी है समझ सब मेरे लिए तो दोनों इजी ले समझाना, लेकिन आपके लिए समझना मेल सिस्टम जैसे बहुत इजीली आप समझ गए, स्पर्म का क्वालिटी, स्पर्म का नंबर, राइट, स्पर्म का हिटिंग वाला रेशियो यू कुड अंडरस्टैंड. बट फीमेल, मुझे एक चीज को मुझे ओवर ही समझाने के लिए मुझे 5 डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल देना पड़ेगा, तब आप समझ जाओगे, बिकॉज थोड़ा सा डेप्थ में इन डेप्थ चीजें हैं, दैट्स व्हाई वी विल डू इट टुमारो. एंड थायराइड, इन दिस 2 थिंग्स वी विल डू टुमारो एज द डिसऑर्डर्स, उसके बाद हम यूरिक एसिड में भी आएंगे. मैं यूरिक एसिड के ऊपर एक बहुत ही स्पेशल आर्टिकल बना रहा हूँ, आई हैव पोस्टेड इट सम प्लेसेस, नॉट इन माय चैनल, आई पोस्टेड इन सम प्लेसेस इन दिल्ली इन सम इंस्टीट्यूट, जहाँ पे मेरे साथ लिंक है, and they really liked it, they said you should post it to the public. तो वो थोड़ा सा मेडिकल था, मैं उसको थोड़ा सिंपल भाषा में तोड़ तोड़ के लेके आऊंगा ताकि पीपल विल एक्चुअली इजिली अंडरस्टैंड एंड स्प्रेड इट. सो थैंक यू सो मच ऑल माई डियर फ्रेंड्स एंड लीडर्स, कीप फॉलोइंग द चैनल, आई एम गोइंग टू पोस्ट समथिंग टुडे इन द आफ्टरनून ऑल्सो, जस्ट राइटिंग, मैं हैंड राइटिंग करता हूँ, उसके बाद उसको टाइपिंग करता हूँ, ब्रिंग इट एंड सो यू विल गेट इट. सो दिस इज वॉट आई हैड टुडे अबाउट द स्टमक, अबाउट हमने डिसऑर्डर्स का बात किया, उसके एग्जांपल्स को हमने समझा एंड फर्टिलिटी एग्जांपल्स को समझा. सो रिमेंबर दिस, फर्टिलिटी रिड्यूस फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी, डाइजेशन इनडाइजेशन अल्सर, मतलब दिस इज हाउ यू डू. फिर से बोल रहा हूँ, मेरा मुंह को याद रखिएगा, ये दोनों हाथ को, ये है ग्रीन जोन, ये है रेड जोन, ये है मिडिल जोन. ओके, तो ग्रीन जोन मतलब हेल्थ, डिजीज, डिसऑर्डर, जस्ट रिमेंबर दिस. हिंदुस्तान का 90% लोग, 90% लोग इस जोन से है, मतलब डिसऑर्डर और डिजीज इसमें है. 40% स्टैम्प्ड है डिजीज लाइक डायलिसिस एंड डायबिटीज, और 40% और बाकी लेट्स से 50% डिसऑर्डर में है, तेजी से डिजीज के तरफ जा रहे हैं, पीछे के तरफ लोग नहीं आ रहे. हमारा काम है यहाँ से भी लोगों को यहाँ लेके आना, यहाँ से भी लोगों को यहाँ लेके आना, यहाँ से डिसऑर्डर से ऑर्डर में लेके आना ज्यादा ईजी है लोगों के लिए. कोई आदमी डिसऑर्डर में हो जल्दी बाहर आ सकता है, डिजीज से टाइम लगेगा बाहर आने में, क्योंकि वो तो और रेट में चला गया, राइट. So, ये philosophy को हमेशा याद रखिए. Thank you so much, my dear leaders. I hope it's going to be useful. आपके काम का आएगा and you're going to utilize it. बस मुझे यही चाहिए कि आप अपने तक ही ज्ञान सीमित नहीं रखोगे, आप इसको utilize करोगे for the masses. पोस्ट पढ़ के अपने पास रख के उस पोस्ट को 10 बार पढ़ेंगे अच्छी बात है, लेकिन उसको 10 को पढ़ाएंगे भी और समझाएंगे भी, आई थिंक 10 गुना अच्छी बात होगा. इफ यू आर सीइंग